चलिए दोस्तों, तो ये जो डी मॉड्यूल और उसकी एडिशनल रीडिंग है उसको हम कवर कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, जहां पर मुझको लगेगा कि इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा वहीं पर रुकने की। जहां पर मुझे लगेगा इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, मैं वहीं पर रुकने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और स्टार्टिंग हम करेंगे 23 नंबर यूनिट से, इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। वैसे तो ये फिलोसफिकल टॉपिक है, लेकिन जो भी इसमें टेक्निकलिटी मुझे दिखाई देगी उसमें मैं बात करूँ, ठीक है। पहली बात, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट। क्या क्या बातें? अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट नीड, यानी जो भी आपके पास आ रहा है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट की नीड क्या है। क्लैरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड शुड बी ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द सेट डायरेक्टर, यानी कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नोइंग द राइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सुटेबल फॉर यू विल एनेबल यू टू टेक द राइट डिसीजन। अगर आपको पता रहेगा कौन सा प्रोडक्ट और वो सर्विस अच्छी, तभी आपका राइट डिसीजन होगा अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने। तीसरा है एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वॉल्विंग द प्रोफेशनल विल एनेबल यू टू टेक द एडवांटेज। अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एस्टेट प्लानिंग, देखो एस्टेट का मतलब होता है संपदा, जिसमें आपका घोड़ा, गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान, जायदाद, गोल्ड, डिपॉजिट, सब कुछ आता है। तो एस्टेट की प्लानिंग के लिए बोला हुआ है, इज ऑल्सो ए वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ योर वेल्थ मैनेजमेंट एज इट इंश्योर एंड प्रिजर्व वेल्थ फॉर ए लॉन्गर टर्म। तो वेल्थ, अगर आप एस्टेट प्लानिंग करेंगे तो एस्टेट प्लानिंग हमेशा एक लंबे समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए उसे एस्टेट प्लानिंग होती है, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है? उसने कहा है कि इतने स्टेप से चलता है। पहले क्या करता है, एसेस करते हैं। क्या एसेस करते हैं? कि क्लाइंट के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके फाइनेंशियल गोल क्या है, उसको 10 साल में गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ठीक है, या बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाना है। डिजाइनिंग ए कस्टमाइज सॉल्यूशन फॉर द अचीव, उसके गोल को अचीव करने के लिए आप सॉल्यूशन बनाएंगे, इतना FD कर लो, इतना ये कर लो, इतना इंश्योरेंस कर लो। इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज इंटू प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज इंटू प्लान, मॉनिटरिंग द रिजल्ट एंड रिव्यूइंग द प्लान। तो बेसिकली ये स्टेप है जिससे हम वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब भी आप बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट की, तो ये क्या है, मैनेजमेंट डील्स इन एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट। यानी कि जब भी आप किसी का वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं तो तीन बातें करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एसेट एलोकेशन, उसके कहाँ कहाँ कौन कौन से एसेट आपने लगाने हैं, ठीक है। फुल्ली डिसाइडेड टू मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद द ओनली फोकस ऑन द इनिशिएटिंग द इनकम जनरेशन, इट एम्स टू बैलेंस द रिस्क और बाई मूविंग अमंग इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में हम मूव कर रहे हैं उसके रिस्क को बैलेंस करने के एम से करते हैं। दूसरा है टैक्टिकल मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट का क्या है, हेल्प इन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वे टू अचीव फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बाई चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड टैक्टिक्स। कि हम अल्टरनेटिव का मतलब इस ये कर रहे हैं तो इसके साथ हम और क्या ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तीसरा आता है डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। कभी भी आप किसी का भी एस्टेट प्लानिंग कुछ कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट, तो उन्होंने कहा डाइवर्सिफायर मैनेजमेंट टीम हेल्प इट्स क्लाइंट इन प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल मॉडल विच हेल्प इन मीटिंग द नीड ऑफ द क्लाइंट। यानी कई तरीके के उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और वेल्थ मैनेजमेंट अगर आपको किसी को करना है तो उसमें आप कौन से प्रोडक्ट और सर्विस उसे ऑप्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि अल्टरनेटिव एसेट, अगर वो फ्लैट खरीदना चाह रहा है तो फ्लैट के साथ और कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। बॉन्ड, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट,
यानी कि इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, SIP बेसिकली इसी में आ जाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, रियल एस्टेट सर्विस, रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी और विल राइटिंग। देखो विल राइटिंग का मतलब जो लोग होते हैं ना जब डेथ होने के बाद तुम वसीयत बोलते हैं, तो ये लिखना भी क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले उसने बोला अल्टरनेटिव एसेट, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ रहेगा, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ रहेगा। क्या कहता है अल्टरनेटिव एसेट? एनी नॉन ट्रेडिशनल एसेट विथ पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कोई ऐसा, एक तो ट्रेडिशनल हो गया, आपने कहा साहब घर खरीदना, उसने कहा घर क्यों खरीद रहे हो, वहां पे मनाली में कॉटेज खरीदो, तो क्या हुआ है? एक पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू का अल्टरनेट वुड नॉट बी फाउंड इन ए स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो उसके स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में नहीं है, अलग से होता है, ड्यू टू द अनकन्वेंशनल नेचर ऑफ अल्टरनेटिव। और ये एसेट कैसे होते हैं? अनकन्वेंशनल होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ सम ऑफ दीज एसेट कैन बी डिफिकल्ट फॉर द, कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट क्या क्या है उसने कहा? आर्ट एंड एंटीक। कई बार क्या होता है, आप मकान खरीदें, उसने कहा मकान नहीं खरीदें, उसने एक ऐसी हट खरीदवाई जो अंग्रेजों के समय की थी, प्रीशियस मेटल्स, फाइन वाइन्स, इनकी भी कीमत होती है, रेयर स्टैम्प जो टिकट कलेक्ट करते हैं ना, कॉइन्स, स्पोर्ट्स कार्ड, अदर कलेक्टिबल। तो बेसिकली ऐसे आइटम जो कलेक्ट करने के हॉबीस्ट होते हैं वो भी आपके पास एक अल्टरनेटिव एसेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, बॉन्ड आपको पता ही है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉन्ड मार्केट में यहाँ पे बहुत सरसरी नजर पे देख लो, पहला है कन्वर्टेबल, जो फ्यूचर में क्या हो जाता है, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू स्टॉक किसी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में, रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड। रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि अ प्री डिटरमाइंड कन्वर्जन प्राइस, बट दे गिव द इन्वेस्टर मेयरली द राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन। मतलब वो कह सकते हैं कि आप चाहें तो कर ले, चाहे तो ना करें। ठीक है, और मैंडेटरी कन्वर्टेबल है कि भैया बिल्कुल, बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड के टाइप आ रहे हैं, कौन सा पहला है रेगुलर, दूसरा कौन सा है मैंडेटरी, मैंडेटरी में बिल्कुल करना ही करना है अपॉन मेच्योरिटी में हो जाएगा, तीसरा है रिवर्स कन्वर्टेबल। रिवर्स कन्वर्टेबल के लिए कहता है कि द इशुइंग कंपनी होल्ड द राइट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स अपॉन मेच्योरिटी एट प्री डिटरमाइंड कन्वर्जन प्राइस। तो इसमें किसको राइट दिया हुआ है? इसमें जो है रिवर्स कन्वर्टेबल का मतलब इशुइंग कंपनी को राइट दिया हुआ है, और इधर वाले में, रेगुलर वाले में राइट किसको दिया हुआ है? इन्वेस्टर को दिया हुआ है। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात हो गई, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फिक्स रेट के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें पहले से लिखा रहता है कि इतना रेट है और कब उसने लॉन्च किया हुआ है, ये बातें लिखी रहती है, कितने ईयर का है, कब उसे रेट मिलेगा, लॉन्च रहता है मैच्योरिटी कि मैच्योरिटी रहती है, जो है। लिखा हुआ है 2024 है तो मैच्योरिटी रहती है, ये बेसिकली उसके, हाँ, ईयर होता है, इसकी ईयर से मैच्योरिटी हमें है। पता लगता है कब ये मैच्योर होने वाला है, ये लिखा हुआ है। बॉन्ड को देखते ही कोई आदमी अंदाजा लगाता है कि इसकी मैच्योरिटी कब है। ठीक है, फ्लोटिंग रेट बेस्ड, फ्लोटिंग रेट बेस्ड में क्या होता है कि इसमें रेट जो है प्री डिटरमाइन नहीं होते हैं, और ये कहाँ पर, विथ दीज बॉन्ड कैन ऑल्सो एग्जिस्ट विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट बींग स्प्लिट इन टू द बेस रेट और द फिक्स स्प्रेड। यानी कि एक उसमें बेस रेट होगा, यानी कि उसने कहा कि 8+ ये वेरिएबल कर दिया कि 8 से ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि ये डिजिटाइज फॉर्म है गोल्ड लेने का तरीका। ठीक है, और उसने कहा है इसके द्वारा जो इंटरेस्ट जनरेट होगी उसमें आपको क्या होगा, वो टैक्स फ्री हो। ठीक टैक्स है, फ्री सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इसमें 99% प्योरिटी होती है इसमें, और 3 डेज प्रायर टू द इशुएंस ऑफ द बॉन्ड, इसके जो प्राइस होते हैं आज की बात करें तो आज से 3 दिन पहले के, उसने कहा, उसने कहा बाई कैलकुलेटिंग द सिंपल एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड हैज ए प्योरिटी इतना इतना,
3 days prior to the issuance of the bond in question, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो हमारे इन पे डिपेंड करते हैं, किन पे, मतलब उनका कनेक्शन किससे है, कि सीपीआई बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, सीपीआई घट रहा है तो वो घटेगा, जिस रेट से सीपीआई बढ़ रहा है या जिस रेट से डब्ल्यू पी आई, तो यानी कनेक्टेड किससे हैं, किसी इंडेक्स से कनेक्टेड, ठीक है। 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड, ये भी एक स्पेशल क्या है, सेविंग बॉन्ड है। इसमें क्या है, बोलता है कि एक तो टैक्स की तो बेनिफिट होते ही है किसमें, बॉन्ड में, कहा कि इंटरेस्ट अर्न, क्या क्या इसमें छूट है, इंटरेस्ट अर्न पे छूट मिलती है, ठीक है। बॉन्ड्स आर इश्यूड मिनिमम अमाउंट ऑफ 1,000 एंड मल्टीपल ऑफ 1,000, बॉन्ड्स विद कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो कॉल एंड पुट ऑप्शन में हमने देखा था, कॉल माने क्या होती है, बाइंग, बाय राइट टू बाय बाई, एंटाइटल टू बाई, राइट टू बाई, और पुट में क्या होती है, राइट टू सेल। सेल जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। म्यूनिसिपल बॉन्ड ये होते हैं जो आपके वहाँ म्यूनिसिपैलिटी जो है बॉन्ड इश्यू करती है लंबे समय समय के लिए, ठीक है। म्यूनिसिपल बॉन्ड में क्या है, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड। अब जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड का मतलब, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मान लिया कि उन्होंने ये सड़क बनवानी है, उसने कहा वेरियस प्रोजेक्ट्स इन जनरल एंड देयर फोर देयर रिपेमेंट आर मेड इन जनरल रिवेन्यू म्यूनिसिपल। उन्होंने कोई स्पेसिफिक वो नहीं बताया, उसने कहा कि हमें जो है अपने शहर में विकास के लिए बॉन्ड जारी कर रहे हैं। रिवेन्यू बॉन्ड के लिए कहता है कि स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, जैसे उसने कहा ये सड़क बनवानी। देखो जनरल में तो क्या, उसने कहा भाई म्यूनसिपैलिटी ठीक करनी है। फिर आता है रिटेल बॉन्ड। रिटेल बॉन्ड में क्या होता है फिर, कि फिक्स रेट पर फ्रॉम एन इन्वेस्टर फॉर ए स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम के लिए करता है। इंश्योरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ऑटो, होम, ट्रेवल, और ये इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा इवेंट इंश्योरेंस, सुना है किसी ने, मरीन नहीं सर, इंश्योरेंस सुना है, फायर इंश्योरेंस सुना है, ठीक है। ये भी कुछ इंश्योरेंस टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रेवल इंश्योरेंस भी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग परसों बात कर चुके हैं, ठीक है। इक्विटी, डेट, बैलेंस, सेक्टरल, ईएलएसएस, ओपन एंडेड, सब बात हो गई है ना, याद है, नहीं याद? ये सर याद है, याद हाँ, एसआईपी वाले में क्या होता है, सिंपल, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पर मंथ का एक अमाउंट फिक्स होता है, और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि आपने मान लिया, निकलता है। हाँ, आपने 5 लाख रुपए हो गया आपका, आपने रिक्वेस्ट डाली कि हर महीने 2,000 रुपये मेरे खाते में डालते रहो, तो 2-2 हज़ार रुपये आपके वहाँ से माइनस होते रहेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या, जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करना, यानी आपको चिंता नहीं करनी कि अब मैं क्या लूँ, मैं कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ, मैं कौन से म्यूचुअल फंड बेच दूँ, कौन से शेयर ले लूँ, तो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के नाम से जानी जाती है। रियल इस्टेट सर्विस में अभी नया जो है कि आप अपना जो रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी है उसको भी कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इस चीज़ को रियल इस्टेट सर्विस और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बना हुआ, बेसिकली ये उन लोगों के लिए बना हुआ जो लोग पैसा तो रियल इस्टेट में लगाना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहते, पैसा तो रियल इस्टेट में लगाना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं, क्यों, वो बिकती नहीं है। तो उसने कहा दीज आर ई आई टीज मैनेज द रियल इस्टेट पोर्टफोलियो एंड मॉर्गेज इंक्लूडिंग द लीजिंग सर्विसेज एंड जनरेट रेंटल इनकम फॉर द सेम, द इनकम सो अर्न रियल इस्टेट पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इन्वेस्टर। तो वो क्या करते हैं, उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं या कहीं पे कोई लीज सर्विस, उस पैसे को कहीं लीज कर देते हैं, उससे जो भी इनकम होती है वो इन्वेस्टरों के बीच में क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड ए विंडो टू स्मॉल इन्वेस्टर ऑल्सो टू पार्क देयर फंड इन रियल इस्टेट विच जनरली रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास 20,000 रुपये है, मान लिया 20,000 में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने इसमें डाला है तो 20,000 में हो सकता है आपको 500 रुपये का ब्याज मिल जाए, कुछ फायदा मिल। रिटायरमेंट प्लानिंग भी वेल्थ मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एसेट ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो भी आपके एसेट्स हैं उसको अल्टीमेटली इंक्रीज नहीं करना, ऑप्टिमाइज करना। देखो आपकी प्रॉपर्टी 10 से हो गई 12, सेम टाइम में दूसरे की 10 से प्रॉपर्टी हुई 15, तो दोनों इंक्रीज हुई
लेकिन ऑप्टिमाइज कौन सी हुई? 10 से 15। 15 बार। मतलब ये आपको पता ही नहीं कि और कितना ज्यादा हो सकता था। विल राइटिंग मैंने बताया था, जब आपकी डेथ हो जाती तो उसके बाद कौन संभालेगा, तो ये भी एक तरह का वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट होता है। वो ये जो टेक्निकली विल आपको राइटिंग है, है, सर विल राइटिंग में जिसको विल लिख के जाता है कि वो हमारा ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ एक जो लिखता है जिसे वो विल ओनर, लिख के जिसका नाम लिखा विल में कि वो जिसका नाम लिखते हैं, इसका एक तो जो लिखेगा और एक बोल रहे हैं जिसका जिसको देगा लिख करके, तो बेसिकली वो किसी को दे के थोड़ी जाता है। बिल बिल तो उसके पास ही होती है, उस बिल में वो कुछ लोगों के नाम लिख सकता है। अगर वो सिर्फ एक का नाम लिख रहा है तो हो सकता है वो उसको कहे भैया से संभाल के रख ले, लेकिन जब वो कई लोगों का नाम लिखा तो कौन रखेगा उसको? तो ऐसा भी होता है कि कहेगा मेरा वो दिल्ली वाला मकान छोटी बेटी लेगी, और उधर का जो मेरा मकान है गांव वाला वो बड़ा बेटा लेगा। तो उसमें बेसिकली उस सारे प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सारे प्रॉपर्टी को वो मेरे जाने के बाद कौन किसका क्या करेगा, उस घटनाओं को, उस उनके अधिकारों को लिखता है। ठीक है, उसने कहा है जिससे उसकी फैमिली को सारी चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अभी एक बार देखो, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर किसी ने राइटिंग विल नहीं लिखी तो उसको क्या बोलते हैं? एक होता है एस्टेट, और जो नहीं लिखता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्टेड। एन एस्टेट, इंटरस्टेट। ठीक है, इंटरस्टेट का मतलब क्या है? ऐसा बंदा जिसकी कोई विल नहीं है। तो इंडिया में शायद 99% लोग कौन से होते हैं? इनके कोई भी यही नहीं है। वाले। अब यही वाले में अभी अगर आपने गौर कभी फरमाया हो तो जो प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं वही तो लिखेंगे विल। अब जिसके पास कोई है ही नहीं वो क्या विल लिख के जाएगा? ठीक है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है यहाँ पर। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या है कि उसने कहा कि सर्विसेज एंटेल्ड विद इन द इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रैक्टिस फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल नोन एज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट एज द नम टर्म्स नेम टर्म्स क्लैरिफाई। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट डज नॉट अकाउंट फॉर कॉरपोरेशन ट्रस्ट ग्रुप्स, ये बेसिकली किसके लिए होता है? इंडिविजुअल आदमी के लिए। ठीक है, पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट का असेसमेंट हो गया यहाँ पर। बेनिफिट क्या होते हैं इसमें? फंक्शन ऑन ए जो वेल्थ मैनेजमेंट के फंक्शन ऑन रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच, यानी अगर आप रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच करोगे तो ही ये चीजें काम करती है। ठीक है, रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच, चलिए जरूरी होता है कि जो वेल्थ मैनेजर है क्या करे, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग करे ओवर फाइनेंशियल वेलबींग। उसका मतलब रोजाना ऐसा नहीं, उसका रिटायरमेंट का 20 लाख आया, 20 लाख में आपने 5 यहाँ लगाया, 10 यहाँ लगाया, 2 यहाँ लगाया, 3 यहाँ लगाया, 10 10 साल के लगा दिया और नमस्ते, ऐसे नहीं। रेगुलर होकर क्रिएशन ऑफ फाइनेंस प्लान, उसका क्या करे? फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करे। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसको जो भी टेंशन हो रही है फाइनेंशियल उसको एलिमिनेट करे। उसने कहा कि 10 साल बाद मुझे मकान के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, तो वो इसी प्लानिंग से करेगा। पर्सनलाइज सर्विस देना, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो गया आपका। चलो जल्दी से 4 क्वेश्चन बता दो इसके। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाई वेल्थ मैनेजर इज इंक्लूड्स, क्या होती है? ऑल ओवर ऑल ऑफ द एज पर द द प्रोविजन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट विद वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर 45EC ऑफ द एंटायर कैपिटल गेन रियलाइज इन द इन्वेस्टमेंट विद इन, कितने महीनों में करना पड़ता है? अगर आपने कैपिटल गेन मिला है आपको किसी एसेट महीने को वो करके, तो कितने महीनों के अंदर? 6 महीने 6 महीने के अंदर
आपको उसे अगर इन्वेस्ट दोबारा कर देंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब परपेचुअल बॉन्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। परपेचुअल माने जिसकी कोई उम्र जी, नो नहीं मैच्योरिटी होती, और नो नो मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एसेट मैनेजमेंट नॉट फॉलोड बाई द वेल्थ मैनेजमेंट, हमने पढ़े थे पीछे, हमने एसेट हाँ जी एलोकेशन बिल्कुल। पढ़ा, डाइवर्सिफाइड पढ़ा और टेक्टिकल पढ़ा, हमने कॉन्सेंट्रेटेड मैनेजमेंट नाम का कोई शब्द नहीं पढ़ा। ठीक हो गया, ये यूनिट नंबर हमारी 23 पूरी। यहाँ से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 24। यूनिट का नाम है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। किसका माइक गड़बड़ कर रहा है? अभिषेक जी का ही करता है। चलो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या बात आ गई यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड बाय फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव, की एलिमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेसिकली वो पहला यूनिट तो ऊपर ऊपर था, इसमें बहुत सारी गहराई इसमें दिखाई दे रही, इसमें बहुत सारी गहराई गहरी बातें हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी और लिक्विडिटी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन बातों पर चर्चा करके करेगा तो उसके अच्छे रिजल्ट। ठीक है, और इनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। ठीक है, इन कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक्लूड एंश्योरिंग ए कंपनीज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट आर मेंटेन, अकाउंटेड एंड वेल यूटिलाइज, यानी उनको मेंटेन करना, उनकी अकाउंटिंग करना और उसको वेल यूटिलाइज करना है। किसके लिए? कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में भी समराइज क्या क्या होता है उसमें? सबसे पहली बात है, रेफर्स टू हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोफेशनल। अगर हम किसी प्रोफेशनल से ये काम करा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। क्लाइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कैन बी आइदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो आपके क्लाइंट हो सकते हैं, कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक्लूड द डिवाइजिंग स्ट्रेटेजीज एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स विद इन द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, यानी उनको लेन देन करके फायदा कमाने की बात कर रहा है। कौन कौन से स्टेप होते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, क्या करेंगे? सबसे पहले आपके गोल को डिसाइड करेंगे, क्या क्यों करना चाहते हैं। आपने कहा रेगुलर इनकम चाहिए, आपने कहा कैपिटल गेन चाहिए, आपने कहा टैक्स, आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज क्या है। फिर वो जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनको एनालाइज कर, फंडामेंटल और कौन सा एनालिसिस, टेक्निकल। ठीक है, और उसकी इंट्रेंजिक वैल्यू देखते हैं सिक्योरिटी की। एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी हेल्प द इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई वेदर द सिक्योरिटीज आर अंडर प्राइस, और वो देखते हैं कि भैया जो सिक्योरिटी आजकल अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस, ये सब स्टडी करते हैं। फिर है कंस्ट्रक्ट, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं आपका, एक आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, इतना इसमें रखेंगे, इतना इक्विटी, इतना डेट। ठीक है, और एक क्या बनाते हैं? वेल बोलो, डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो, जो आपका पोर्टफोलियो है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि भैया सही ठीक ठाक रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर ठीक नहीं आ रहा तो आपके पोर्टफोलियो क्या करते हैं, वो रिवाइज करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? तो उसने कहा कि प्राइमरी डील्स विद प्राइमरी द क्रिएशन ऑफ कैपिटल फॉर अदर कंपनी, गवर्नमेंट और अदर एंटिटी, यानी अगर आप किसी कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एंटिटी के लिए कैपिटल का क्या कर रहे हैं? क्रिएशन। और कैपिटल क्रिएशन कैसे होती है?
कॉर्पोरेट की कैपिटल क्रिएशन कैसे होती है? उनका जो शेयर्स है उसकी वैल्यू को बढ़ाना, उनके लिए जो फिक्स्ड कैपिटल है प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड की एसेट को खरीदवाना, ठीक है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पार्ट होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अंडरराइटिंग भी यहाँ पे भी होती है। एक्सप्रेस खड़ा रहता है। ये कौन सा है? कल्याणी आ गया ना? कल्याणी है ये। अच्छा बड़ा जो फास्ट है ना रिले का। अच्छा वो सब चलो, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जब कोई कॉरपोरेट नया कर्जा लेता है या नई इक्विटी इशू करता है, उसकी अंडरराइटिंग का काम भी ये लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प कॉरपोरेट, हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना इन्वेस्टमेंट बैंकर वाला, कॉरपोरेट को हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, किसी भी ग्रुप को करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट इन लार्ज कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो आम तौर पर एक आदमी जिसको अरेंज ना कर पाए उसको करने के लिए ये काम करते हैं। इसेंशली देयर सर्विस इंक्लूड अंडर राइटिंग, खासकर से ये नया कर्जा लेने या इक्विटी इशू करने पे काम करते हैं। सर, अंडरराइटिंग इन्वेस्टमेंट होता क्या है बैंक्स वैसे? एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट बैंकर हु हेल्प कॉर्पोरेट। अब इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को एम्प्लॉय करते हैं जो उन कॉरपोरेशन गवर्नमेंट या बड़े ग्रुप को क्या कर पाए, हेल्प कर पाए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड, दे सर्व मैनी डिफरेंट, मतलब ये एक कॉरपोरेट की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनके लिए काम करते हैं। जैसे ये एडवाइजरी भी करते हैं, जब कोई कोई दो कॉरपोरेट क्या हो रहे होते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन होता है दो कंपनियों का, तो यही वो करते हैं, यही सब उनका एसेट को परचेज करना, सेटल करना, एक्विजिशन, सारा काम यही करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो अपने ये थे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी क्या हुए थे, तो बंटवारा हुआ था। बंटवारा हुआ था। अब कौन करेगा? अगर अनिल और मुकेश बैठ के बंटवारा करने लग जाएं तो क्या होगा? हो जाएगा बंटवारा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बैंक का जब बंटवारा करेंगे तो हर चीज की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, उसका प्रॉस्पेक्ट, उसकी सब चीजों को बताएंगे, उसके हिसाब से दो पोर्टफोलियो वो बनाते, ठीक है, उसके हिसाब से दो पोर्टफोलियो बनाते। दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन सिक्योरिटी इश्यूअर्स एंड इन्वेस्टर एंड हेल्प न्यू फर्म्स टू गो पब्लिक। ये देखो, कॉरपोरेट है, बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है और इंस्टीट्यूशन, और इनके बीच में क्या कर रहे हैं, कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और वो पैसा लाते कहाँ से हैं, अल्टीमेटली इन्वेस्टर से लाते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टिपिकली कवर्स टू की एरिया, मैंने अभी पीछे बताया था क्या करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्विजिशन या किसी भी कॉरपोरेट के लिए कैपिटल को रेज करने का काम ये करते हैं, ठीक है। और फुल फ्लेज सर्विस जो होती है वो इनकी क्या होती है, अंडरराइटिंग होती है, मर्जर एक्विजिशन होते हैं, सेल्स एंड ट्रेडिंग, जो उनके पास सिक्योरिटीज होती है ना उनकी सिक्योरिटी को क्या करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में सेल करके वो करते हैं, ठीक है। इक्विटी रिसर्च करते हैं, यानी कि जो इक्विटी जितनी है जो शेयर्स हैं उन पे क्या रिसर्च का काम भी ये करते हैं, एसेट का मैनेजमेंट करते हैं। अंडर राइटिंग सर्विसेस इन इन्वेस्टमेंट बैंक, अंडर राइटिंग का मतलब मैं बोला कि जहां पर आप आने वाले किसी फ्यूचर के फ्लो को पहले से अंडर राइट कर रहे हैं, खास कर से अंडर राइटिंग में क्या होते हैं, जब भी कोई क्या आता है नया आईपीओ। आईपीओ आता है तो कहते हैं भैया ठीक है आप निकालो 6,000 करोड़ का, नहीं बिकेगा तो हम लेंगे, पता लगा 5,000 करोड़ पब्लिक ने ले लिया तो 1,000 करोड़ ये कंपनी को देते हैं, ठीक है। और इनके जो अंडर राइटिंग होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, कौन सी तरह की होती है, पहली बार फर्म कमिटमेंट, क्या है फर्म कमिटमेंट, एंटायर, जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल बताया था, क्या बताया था, एग्रीज टू बाय द द एंटायर अंडर इशू। राइटर एग्रीज टू बाई द एंटायर इशू एंड एज्यूम फुल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी अनसोल्ड शेयर, जो मैंने ऊपर एग्जांपल बताया, ये जो ये मैंने एग्जांपल बताया था किसका बताया था मैंने,
फर्म कमिटमेंट, ठीक है। दूसरा क्या, बेस्ट एफर्ट। उसने कहा, उसने कहा एज मच ऑफ द इश्यू और एज पॉसिबल एट द एग्रीड अपॉन ऑफरिंग प्राइस, बट कैन रिटर्न एनी अनसोल्ड शेयर टू द इश्यूअर विदाउट फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसने कहा कि टू सेलिंग एज मच ऑफ द इश्यू, वो क्या करेंगे भैया, कोशिश करेंगे बेचने, और जितना नहीं होगा, बट कैन रिटर्न एनी अनसोल्ड शेयर टू द इश्यूअर विदाउट फाइनेंशियल, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। यानी इन्होंने सिर्फ काम कितने का किया, 5,000 का किया, ऑल और नन। एंटायर इश्यू कैन नॉट बी सोल्ड एट द ऑफरिंग प्राइस, डील इज कॉल्ड ऑफ एंड द इश्यू कंपनी रिसीविंग नथिंग। तो उसने कहा क्या करेंगे, एंटायर इश्यू कैन नॉट बी सोल्ड एट द ऑफरिंग प्राइस, द डील इज कॉल्ड ऑफ एंड एंड द इशूइंग कंपनी रिसीविंग नथिंग। यानी कई बार क्या होता है, या तो सभी या कुछ नहीं, या तो डील कैंसिल हो जाएगा। हाँ, डील ही कैंसिल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं, उसमें फ्रंट ऑफिस होता है, एक मिडिल ऑफिस होता है, और एक क्या होता है, बैक ऑफिस बैक होता है। ऑफिस जैसे ट्रेजरी में होता है, सेम उसी तरह यहाँ पर होता है। तो ये क्या करते हैं, रिवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक इज जनरेटेड फ्रॉम द फंड फ्रंट ऑफिस। मतलब बेसिकली जो बात कर रहे हैं, असली काम यही कर रहे हैं। मिडिल ऑफिस क्या करता है, एंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट बैंक डज नॉट एंगेज इन एक्टिविटी दैट कैन बी डेट्रीमेंटल टू द बैंक सेल्फ। तो ये देखते रहते हैं कि भैया वो जो आगे वाले काम कर रहे हैं वो ठीक काम, मतलब उनके काम को चेक करते हैं। बैक ऑफिस बेसिकली प्रोवाइड सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक ऑपरेशन, यानी मैन पावर देना, कंप्यूटर देना, रिसर्च देना, टेक्नोलॉजी देना, वो किस काम है, बैक ऑफिस। एक है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एक है इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक एक है बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और एक क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंक। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर की अगर बात करें, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि इसमें ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन कर रहा है, इक्विटी की रिसर्च कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, और एस्टेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है। ये कौन किसकी बात आई, इन्वेस्टमेंट मैनेजर की। अब मैनेजमेंट आती बात इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात। इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प इन द कॉर्पोरेट टू फाइनेंस नीड। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है यहाँ पर, ये वाला, ये क्या करेगा, उसकी फाइनेंस नीड को देखता है, उसके लिए पैसा कहाँ से उठाना है उसकी बात करता है। और इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करता है, जो भी उसके पास है, एग्जिस्ट करता है, उसको क्या करता है, मैनेज वो करेगा जो उसके पास अवेलेबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो होती है जो उसको अवेलेबल कराती है, ठीक है। मतलब पैसा अरेंज कराना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, और पैसा होना और उसका मैनेजमेंट करना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रोफिशिएंसी है, रिस्क का ऑप्टिमाइजेशन है, एलोकेटिंग रिसोर्सेस ऑप्टिमली, एंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी पोर्टफोलियो, प्रोटेक्टिंग अर्निंग, ठीक है। की एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या खास काम होते हैं, एसेट का एलोकेशन करना, एसेट को क्या करना, डाइवर्सिफाई करना, रीबैलेंसिंग करना। अब मान लिया उन्होंने ये कुछ यहाँ करा, कुछ यहाँ करा, कुछ यहाँ करा, यहाँ करा, अब समय 5 साल आगे आ गया, तो उन्होंने पहले वाले को बढ़ा दिया, दूसरे वाले को घटा दिया, फिर बढ़ा दिया, या उतना ही रहने दिया, ऐसे फिर 5 साल आ गए, तो उसको क्या कहते हैं, री बैलेंसिंग। तो बैलेंस वो किसके हिसाब से होती है, उसकी ज़रूरत और उसकी एज के हिसाब से उसको आगे पीछे किया जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पर अभी देखा था, ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट देखा था, क्या देखा था, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेजर तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को एक और नाम से जानते हैं क्या, पोर्टफोलियो में कोई एसेट एक और नाम मैनेजमेंट, से इज ऑल अबाउट मैनेजिंग क्लाइंट। इट्स
इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग लाइफ, ठीक है। ये छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है इसमें। ने कहा कि क्लाइंट ए ने बैंक बी से कहा कि उसको हेल्प करे कि वो अपनी मनी को क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। क्लाइंट ए ने बैंक को बताया कि टेक माय मनी एंड इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो वे आर यू थिंक, जहां भी करना चाहते हो। बैंक बी देन टेक्स मनी और उसने क्या करा, उसका पैसा लगा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, उसके पोर्टफोलियो क्या कर दिया उसने, मैनेज कर दिया, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में क्या कहा उसने कि इन्वेस्टमेंट बैंकर विल सर्च फॉर द इन्वेस्टर। उसने कहा कि भैया कि वो चाहता है कि कोई उसकी कंपनी में क्या करे, क्या करे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करे, वो ये उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट बैंकर विल सर्च फॉर द इन्वेस्टर, लुक फॉर कैपिटल रेजिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इक्विटी मार्केट। तो वो इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम अलग है, पोर्टफोलियो वाले का काम क्या है, जो आपके पास है उसको ही ठिकाने लगाना। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या है, आपके लिए फंड की अरेंजमेंट करना, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ब्रॉड है और म्यूचुअल फंड क्या है, एक अकेला वो है। म्यूचुअल फंड क्या है, अकेला वो है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है, हायर डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन टेलर स्पेशली है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड केवल एक एक्टिविटी टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस कौन से वाले हैं, पहला वाला कौन सा मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो एक्टिव मैनेजर यानी पोर्टफोलियो, मतलब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं एक्टिवली बाई, एक्टिवली सेल, सिक्योरिटी ट्रैकिंग, इन्वेस्टमेंट ध्यान रखते हैं रोजाना। पैसिव पोर्टफोलियो कि एक बार इन्वेस्टमेंट करवा दिया आपका फिर देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, तो कहा गिवन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पोर्टफोलियो एज इज फ्री टू एडॉप्ट एनी स्ट्रेटेजी विच इज सुटेबल टू द आईपीएस सच पीएमएस डिमांड हायर इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग जस्टिफाई हायर अच्छा फीस एसोसिएटेड। तो इसने क्या बोला कि पोर्टफोलियो मैनेजर को पूरा सौंप दिया उन्होंने कि भैया चलो कमा लो। नॉन डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी में क्या है, पीएमएस केवल क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, सामने करेगा वाला करे या ना करे। इसमें तो ना उसने कह करेगा दिया कि भैया तुम जैसा कर रहे वैसे कर। इसके स्टेप हैं, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेटिंग द कैपिटल, ये क्या होगा, एस्टिमेटिंग द कैपिटल, ये क्या वर्ड होगा, कैपिटल मार्केट जी। एस्टिम नहीं मार्केट है, कैपिटल नहीं मार्केट नहीं, कैपिटल मैनेजमेंट बुक में मार्केट लिखा हुआ। जी सर। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि कैपिटल मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, उस चीज को एस्टिमेट करना और डिसीजन लेना, फॉर्मुलेट करना सुटेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, सेलेक्टिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इम्प्लीमेंटिंग करना, इवेल्युएट करना और उसके बाद रीबैलेंसिंग, रिबैलेंसिंग एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो जाती है, रिस्क का कंट्रोल होता है, हैसल फ्री ऑपरेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और कस्टमाइज एडवाइस। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कॉस्ट भी लगती है और परफॉर्मेंस की कोई भी, गारंटी नहीं होती। हाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कौन देखता है, सेमी सेवी डे तो इन्होंने बेसिकली सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, उसमें नो अपफ्रंट फीस विल बी चार्ज,
ऑपरेशन फी, यानी कि पैसा इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जितना पैसा आप क्या करेंगे, संभालेंगे, उसकी क्या ले सकते हैं आप, उससे फीस ले सकते हैं। ऑपरेशनल फीस ले सकते हैं, जो कि क्या होगी, पूरे एसेट का एक साल में किससे ज्यादा नहीं होगी, 0.05 0.05, 0.5, 0.05 है सर 0.5। अरे 10 पैसा। 0.05 ये होता है भाई, ये 0.5 है, 0.05 का मतलब होता 5 पैसा, 5 पैसा, ये 50 पैसा और है। ये 50 पैसा हो। बेसिकली उसने, सेबी ने थोड़ी कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट इन्वेस्टमेंट, बताओ। ये इलिक्विडिटी का होते कोई मतलब नहीं। फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर, फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्या ऑफर करता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेबी हैज मैंडेटेड वन मस्ट हैव मिनिमम कॉर्पस ऑफ कितने रुपीज फिफ्टी इन्वेस्टमेंट लाख वो करने के लिए, कितने पचास लाख, फिफ्टी लाख 50 लाख। फिफ्टी एज पर सिक्योरिटी सेबी गाइडलाइन, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर की कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़। 5 करोड़ 5 करोड़। पोर्टफोलियो मैनेजर की नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, 5 करोड़, 5 करोड़ ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यूनिट आ गई आपकी, टैक्स प्लानिंग, ठीक है। टैक्स प्लानिंग में आपका सैलरी के अलावा जो अदर इनकम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो केवल सैलरी की प्लानिंग के अलावा आपकी और जो अर्निंग्स हैं उस पर भी बात की गई, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं आपके, डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम पे, कॉर्पोरेशन की इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका किस पे लगता है, जो आप कोई ट्रेड करते हैं, जब जब ट्रेड करते हैं उस पे लगता है, या कोई चीज़ें परचेज करते हैं तब लगता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, हमेशा अगला वाला होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, हमेशा अगला वाला होता है। अगला तो इसमें जो है, असेसमेंट ईयर में जैसे माने बात करेगा कि एक तो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, और ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है अगले साल की, ठीक है। जैसे यह बात आ रही है कि पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 21 से 22 तक। हाँ, एक पॉइंट और आता है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो इसने बोला हुआ है कि अगर आप इनकम टैक्स पर्पस से या इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस से टर्म्स फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर यूज इंटरचेंजेबली, सो फाइनेंशियल ईयर अगर इतना है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसीडिंग ईयर बोल सकते,
यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर की बात चल रही थी हमारी, इसने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर को कैसे यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली में करते हैं। जैसे उसने कहा कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 है, ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो बी टर्म्ड एज प्रिसीडिंग या प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर से पहले जाएंगे तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर से पहले जाएंगे तो उसी को हम लोग कौन सा ईयर बोलेंगे, बोलो, प्रीवियस प्रीवियस सर, ईयर। फाइनेंशियल ईयर का ईयर प्रीवियस ईयर होगा ना सर, क्या चीज? जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके पहले का ईयर प्रीवियस ईयर होगा। नहीं, ना ना, असेसमेंट ईयर से पहले का जो ईयर होता है उसको प्रीवियस ईयर या प्रिसीडिंग ईयर बोल देते हैं, और उसी को वही फाइनेंशियल टेक्निकली ईयर क्या है, बोलते फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल ईयर। ईयर, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है। और एक बात यदि और होती है, एक बात और होती है कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर का पहला वाला बैक वाला होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर एक से ज्यादा भी हो पहले सकता का है भी हो सकता है। पहले के भी। फॉर द पर्पज ऑफ द प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द, नहीं, असेसमेंट ईयर, ये गड़बड़ हो गया, मैंने जो बताया था इसमें कह रहा है कि द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर तो बहुत असेसमेंट सारे के हो पहले सकते में, हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर केवल ए वाई से पहले असेसमेंट के जस्ट पीछे वाला। ठीक वाला हो। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड सर, उसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है जो कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल एक ही रहेगा। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, एक ही रहेगा, जैसे बाहर वालों के लिए जो होता है ना, एनआरई, एनआरओ के लिए एनआरई एनआरओ के लिए ऐसा होता है? नहीं, कुछ जैसे कोई इसमें प्रोजेक्ट एक्सेप्शन दिया है नहीं सर। देख, तो अपना दिया हुआ फाइनेंशियल ईयर भी यही रखेगा और असेसमेंट ईयर भी यही रखेगा, क्योंकि उसका तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसी ईयर में। अच्छा, जिस ईयर में अगर वो अपनी बात पूरी खत्म कर ली उसने, तो उसी ईयर को क्या जैसे बोल रहे कोई हैं? बाहर जाने वाला है तो उसका सेम हाँ, रहेगा, उसी उसके ईयर लिए में सेम रहेगा। असेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए वही ईयर जो है सेम रहेगा फाइनेंशियल ईयर। देखो जी इसमें लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू असेसमेंट ईयर मीन्स प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर प्रीवियस ईयर मे बिगिन फ्रॉम अ लेटर डेट इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस सोर्स इनकम एनी डेट देयर आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस सेटअप इन इतना, द प्रीवियस ईयर विल बी पीरियड इतना ही रहेगा उसका। अगर उसका कोई काम ही यहाँ से शुरू हुआ है तो उसके लिए यही रहेगा, विच इज द फैक्ट जस्ट ए पार्ट ऑफ द फाइनेंस, यानी फाइनेंशियल ईयर का पार्ट ही किस नाम से जाना जा सकता है? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस प्रीवियस ईयर नहीं, असेसमेंट तो अगला वाला होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब है कोई छोटा पार्ट भी हो सकता है, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है हमेशा 1 अप्रैल से। हाँ, मगर कोई नया बिजनेस जब शुरू होता है तो तब तो वही नया असेसमेंट रह जाएगा सर। नया बिजनेस शुरू हो रहा है क्योंकि उसका पिछले का रिकॉर्ड नहीं, इसलिए बोल रहे हो आप? जी अच्छा, उसका पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसके लिए असेसमेंट ईयर भी वही बन जाए। ठीक असेसमेंट ईयर है, तो आगे का ईयर होगा सर, क्योंकि वो तो वो उसके लिए होता है जो बिजनेस क्लोज करता है उसी के लिए है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होते हैं। जो बिजनेस क्लोज कर रहा है ना, यदि इस फाइनेंशियल में वो क्लोज कर रहा है तो इसी फाइनेंशियल में वो असेसमेंट ईयर कर देगा हाँ, क्योंकि कंप्लीट। उसका अगला वाला वो नहीं आएगा कुछ भी है। तो ये लिखा हुआ देखो, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू द रूल दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इज द इमीडिएटली फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। इन सच केस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑफ टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर।
वेयर इन प्रीवियस ईयर एन असेसमेंट ईयर आर कंसिडर द सेम, प्रीवियस ईयर एन असेसमेंट ईयर आर कंसिडर द सेम इन केस ऑफ सर्टेन एसेसर टू अवॉइड सिचुएशन ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस इन इंडिया केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर कोई एनआरआई शिपिंग बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए दोनों ईयर क्या होंगे? सेम। सेम हो। असेसमेंट ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली, अगर वो इंडिया छोड़ रहा है या लंबे समय के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी क्या होंगे? सेम होंगे। असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन विच आर फॉर्म ए पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड, अगर छोटे समय के लिए कोई बनाए गए हैं तो उनका भी क्या रहेगा? वो सिंपल उसी साल में खत्म हो जा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू अवॉइड, अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को क्या करना चाह रहा है? टैक्स लाइबिलिटी से ट्रांसफर बचने के करना, लिए अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? ट्रांसफर ट्रांसफर कर रहे कर हैं। रहा है, तो उसको भी उसके में उसी साल में टैक्स का हिसाब किताब कर रहा है। असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस विच हैज बीन डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर कोई उसने बिजनेस बंद कर दिया है तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? वही होगा। जो इनकम टैक्स एक्ट होते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीन, ये थ्री टाइप के इनकम टैक्स एक्ट के लिए एसेस ही होते हैं, यानी इन लोगों की इनकम टैक्स एसेस की जाती है। तो तीन कैटेगरी इसमें आ गई, कौन कौन सी आ गई? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और तीसरा कौन सा आ गया? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, मतलब वो ना तो रेजिडेंट तो है लेकिन नॉन रेजिडेंट नहीं है, यानी अक्सर बाहर जाता रहता है। ठीक है, और ये वाली डेफिनेशन आपके पता है पीपीबी में भी है, कहाँ पर है? जो हाँ सर, फेमस वाला चैप्टर है ना, वो में भी हाँ ये हाँ डेफिनेशन। ठीक है, तो रेजिडेंट कौन एनआरई होता एनआरओ है वाला जो, जो इंडिया में इससे ज्यादा समय तक रहता है, वो कौन है? रेजिडेंट। रेसिडेंट। ठीक है, और स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर इज 365 और मोर एंड 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले साल वो कितने दिन रहा था? 365 365 दिन दिन पिछले साल तो पूरे साल रहा, उससे ज्यादा रहा। एंड 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा रहा, यानी कि 180 दिन से ज्यादा कहाँ रहा हो? उसी फाइनेंशियल इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 180 ज्यादा दिन कहाँ रहा? बाहर रहा। ईयर ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला, इसको देख लो यहाँ पे, हैज बीन अ रेजिडेंट इंडिया फॉर एटलीस्ट कितने, पिछले टू आउट ऑफ 10 इयर्स इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। प्रीवियस इयर्स में 10 इयर्स में वो इंडिया में कितना रहा है? 2 साल 2 साल रहा। ही स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितने डेज? 730 दिन, 5 महीने 730 दिन, 7 मिनट। में 730 दिन तक वो रहा है। ये दोनों पॉइंट याद रख लेना भाई, ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रख। और यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है, जो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता वो कौन कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट, टैक्सेबिलिटी में एक डीटीए नाम का वर्ड आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अग्रीमेंट, तो कई कंट्रियों के साथ ये एग्रीमेंट है हमारा, तो जो लोग इन कंट्रियों के साथ जाते हैं तो उनकी इनकम पर कोई भी टैक्स इंडिया
नहीं लगाता, नहीं नो टैक्स एप्लीकेबल है, दो और नहीं लगता। लेकिन जिनके साथ ये एग्रीमेंट नहीं है उनकी इनकम पर टैक्स लगता है। लगेगा एसएससी कौन होता है? जो टैक्स के लिए लायबल होता है, ठीक है, पर्सन टैक्स के हिसाब से जितने लोगों का आप अकाउंट खोलते हैं ना, वो सारे लोग कौन है? पर्सन। पैन नंबर क्या होता है? पता है। टेन नंबर क्या होता है? जो किनका होता है? डिडक्टी डिडक्टेड। का। जो लोग टीडीएस काटते हैं वो आर लायबल टू द डिडक्शन ऑफ टीडीएस। डिडक्टी यानी आप अगर मान लिया किसी जनरेटर वाले का 50,000 रुपये महीना का जनरेटर का किराया देते हैं, आप किसी को इनकम दे रहे हैं, तो उसकी इनकम पे टैक्स काटने की जिम्मेदारी आप ही की है, तो आपके पास क्या होगा? एक अपना 10 नंबर होना नंबर। जरूरी। इनकम का जो बाइफरकेशन होता है, सबसे पहला कौन सा होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वो कहाँ से पता लगती है? आपके सैलरी के जो स्ट्रक्चर है उससे पता लग जाता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम आना, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस, आप कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट शॉर्ट टर्म, टर्म, ठीक शॉर्ट है। अदर सोर्स से कोई इनकम हो रही है आपकी? ये टैक्स स्लैब है और स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हुआ है क्या? एक चेंज हुआ है ना, नए टैक्स स्लैब पंद्रह में कितने लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है? 7 लाख तक, 7 लाख तक है ना सर। जो नया टैक्स रिजाइम है ना, न्यू टैक्स रिजाइम में कितने तक कोई भी टैक्स नहीं है? 7 7 7 लाख है तक है ना, सर। 7 कर दिया ना, और कोई चेंज नहीं किया है ना इन्होंने। नहीं सर, उसमें कंडीशन ये है कि 7 लाख अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ क्या इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा पाएंगे ऐसा। नहीं, नए में तो इन्वेस्टमेंट दिखाना ही नहीं है ना। हाँ यस सर, नहीं दिखा सकते। न्यू टैक्स स्कीम में कोई भी इन्वेस्टमेंट की छूट आपको नहीं मिलेगी, बट उसके स्लैब जो हैं दोनों के अलग अलग, जो स्लैब है ना दोनों के अलग अलग। सुपर से नहीं। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के आना और कोशिश करना कोई क्वेश्चन पढ़े बिना ना रह जाए, पता लगा सरल सरल क्वेश्चन छोड़ के आ गया।
निगेटिव मार्किंग है कि नहीं? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा है। ये तीन कैटेगरी है इसमें। कौन कौन सी है तीन कैटेगरी? 60 साल से नीचे, 80, 60 से 80, 80 से ऊपर। ये क्या है यहाँ पर? ये बिलो 60, 60 to 80 और 80+, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हाँ, बिलो 60 है और 62 80 है और मोर देन 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये मैंने निकाला है 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है। 2023-24 का क्या फाइनेंशियल ईयर, यानी असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 24 और 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, बेसिकली इनके लिए 3 लाख तक है, इनके लिए 2.5 लाख तक है, इनके लिए 3 लाख तक है, और इनके लिए 5 लाख तक है। ये कौन सी स्कीम है? ओल्ड ओल्ड। न्यू वाले में क्या है? न्यू वाले में ये सब कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे क्या है? स्लैब से, ठीक है। तो 369 यहाँ वाला पर था। देखो ये लिखा हुआ है, अब तू क्या लिखा हुआ है? 7 लाख। और अब तू 7 लाख उसी को मिलेगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा जो क्या करते हैं, जो इनकम 7 लाख से कम हो। अगर उनकी इनकम 7,10,000 है ना, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो सर इस बार तो जोड़ा है ना सर, 5 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसमें इसी में न्यू वाले में स्टैंडर्ड एमपी थर्ड डिडक्शन? का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, दिया है। यहां बात कर रहे हैं, अलग से बात कर रहे हैं। अलग से दिया है सर इसमें। देखो ये जो स्लैब होते हैं ना, सुनो मेरी बात, एलिजिबल डिडक्शंस के बाद होते हैं। क्या होते हैं? एलिजिबल डिडक्शंस के बाद जो आपका नेट अमाउंट बनता है, नेट क्या बनती है? इनकम बनती है, उस पर ये चार्ट अप्लाई होता है। हाँ तो सर जैसे अगर मैं यदि इसकी बात करूं, 7.5 लाख है तो 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन करेगा तो 7 लाख हो जाएगी। हाँ तो 7 हो जाएगी, तो माफ हो जाएगा। मैंने कहा एलिजिबल डिडक्शन को लगाने के बाद, एलिजिबल डिडक्शन को लगाने के बाद जो भी बचेगा वो इस स्लैब से कंपेयर होगा। देखते हैं इसमें कोई एग्जाम्पल मिलेगा हमको, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन बोल देगा कि कौन सा बेटर है, ओल्ड टैक्स एग्जाम या न्यू टैक्स एग्जाम। तो अगर वो ये पूछता है कि उसको कौन सा टैक्स रिजाइम लेना है, तो आपको उसका दोनों तरह से क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दोनों तरह से क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का एग्जांपल दे रखा, उसे देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा हमको। ये देखो न्यू टैक्स रिजाइम में जो पहले था उसमें क्या नहीं शामिल था? ये न्यू टैक्स रिजाइम में मार्च 23 तक कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं था। तो अब जो आपकी बात थी, देखो यहाँ क्लियर हो रही है कि अगर किसी की सैलरी कितनी आ रही है, 7.5 लाख तो वो भी क्या आ जाएगा?
कोई टैक्स फ्री सैलरी रिटर्न इनकम में आ जाएगा। मतलब रिबेट एलिजिबिलिटी तो 7 लाख है, लेकिन 50 हजार की और मिल जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा जिसकी 7.5 लाख की सैलरी है, सैलरी इनकम है, तो उसको 50 हजार की वो हटाने के बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पहुंच जाएगा, 7 में पहुंच जाएगा। उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसमें जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है वो तीनों में है शामिल, लेकिन जो ATC का स्लैब है वो और अगर आपने लेट आउट किया है तो शामिल है, और अगर आप उसमें खुद रह रहे हैं तो नहीं शामिल है। ऐसा सरकार ने क्यों किया होगा जरा बताओगे? लेट आउट का सेंट्रल मतलब, इनकम दिखाना पड़ेगा। हाँ, सरकार ने कहा जी 2 लाख की तो आपको छूट दे देंगे, फिर उसने कहा साहब मुझे 1.80 का, तो उसमें क्या मिल जाता है, रेंट मिल इंटरेस्ट जाता है, तो डायरेक्ट नेट फायदा क्या होगा सर उसको, बंदे को 20,000। 20 हजार का ही होगा, तो एक तरह से वो इनकम को लपेट लिया है ना। हाँ, एनपीएस में है, इन्होंने एनपीएस में क्या करा हुआ है, नए वाले में भी एनपीएस को छूट दी हुई, ठीक है। अब देख रहे हो सारे जो है यहाँ पर, सारे क्या है यहाँ पे, ये सारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे, नॉन टैक्स, मतलब कोई रिबेट नहीं मिल रहा। नहीं है। और अग्निवीर कॉर्पस में इन्होंने दे दिया है डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन स्कीम, इसमें फैमिली पेंशन स्कीम में दे दिया है, गिफ्ट में दिया गिफ्ट हुआ है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई लेगा तो उसको दिया हुआ है, ग्रेचुटी पे तो सबको मिलता है, लीव इनकैशमेंट में सबको मिल रहा है, डेली अलाउंस में सबको मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस में मिल रहा है, ठीक है। जब एक बार स्लैब को देख लेते हैं, बाकी तो आप सबकी अपनी मेहनत काम आएगी, कितना कोई बातों को समझता सोचता है, देख लो जरा क्या है आपके स्लैब में। दिखाई दे रहा, पढ़ने में आ रहा, ऐसा एक बार कंसंट्रेट होके पढ़ लीजिए। हाँ, कौन 10-15 दिन। स्लैब के जंप देखने हैं आपने, स्लैब के जंप देखने हैं, पहले पे क्या है देखो, पहले ₹3 लाख तक, 3 से 6 तक, और याद करने के लिए क्या इसमें सारे जम कितने लाख के हैं, 3-3 लाख के हैं, 3-3 लाख, 15। और यहाँ पर जम ऑड इवन है, मतलब कहीं पे 2.5 लाख का है, कहीं पे 2 लाख का है, कहीं पे 5 लाख का है, और रेट क्या है इसको याद करना ज्यादा आसान है, 5, 10, 15, 20 और 3, 5, 10, 15, 20 और 30, ठीक है। चलो ये याद रखने की कोशिश कर लेना जितना कर पाओ, ठीक है। इसमें सर सरचार्ज एक बार दिखाइए, सरचार्ज। सरचार्ज सरचार्ज में बोलता है कि 10% ऑफ, ये बेसिकली सरचार्ज हमेशा ध्यान रखना, इनकम पे ना लग के किस पे लगता है, टैक्स पे लगता है। जो आपका टैक्स बनेगा उस पे 10% और ऐड हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक, और उसके अलावा 15% ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा अगर आपकी इनकम
करोड़ से 1 करोड़ से कम वो ज्यादा हो जाता, 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती, तो आपका आपका मान लिया 5 लाख टैक्स बना, तो 15% और जुड़ जाएगा, यानी 5,75,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या लगता है आपको 4% का? हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगता है, हेल्थ एंड नहीं तो एजुकेशन टैक्स ये लगता है, भी लगेगा, 4% भी लगेगा सर। ये तो फिक्स है, 4% ये लगेगा और बाकी ये सरचार्ज लगेगा। अगर हम इसमें देखें तो 5 पे 4% और लग जाएगा, 20,000 और लग जाएगा, यानी 5,95,000। ठीक है, 4% भी तो सर चार्ज ही है सर, वो 50 लाख से नीचे वाले के लिए है। नहीं ये अलग से है, एडिशन है ना, ये तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारा कहने का मतलब है जो 50 लाख से ऊपर इनकम है इसको 10% लगा, और जिसको 50 से नीचे है उसको 4% लगता है नहीं नहीं सरचार्ज। नहीं ना 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 ना, ये जो ये सेस है ये सरचार्ज नहीं है। हाँ ये जो शेष है ना सर, सेस सबके लिए है लागू, सेस में किसी को छूट नहीं है। तब तो ये फाइनल टैक्स होगा उस पे लगेगा। हाँ जो टैक्स बना मैंने बताया ना कि अगर मान लिया किसी की इनकम, इसकी किसी का टैक्स कुल मिला के 5 लाख बना मान टैक्स, तो 5 लाख पे 4% तो उसे ये देना होगा। ठीक है, और अगर उसकी इनकम इस रेंज में आती है तो 10% का और देना होगा, यानी कि 20 और 50, यानी 5,70 देना होगा। ठीक है, और एक मिनट सर, 1 करोड़ 2 करोड़ 25 और 37 है, 5 करोड़। और ये जो सरचार्ज है, सरचार्ज एप्लीकेबल एज पर टैक्स रेट मेंशन बिलो इन ऑल कैटेगरी मेंशन अबव, उसमें क्या है, 1 से 2 करोड़ में आएगा तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा वाले में है तो कितने परसेंट, 37%। 37%, ये किन लोगों के लिए? 5 करोड़ से ज्यादा के लिए 37%, ऑल कैटेगरीज। और ये वाला जो था इसमें दो ही ग्रुप क्यों लिए थे उसने? ये किन के लिए था, 80 80 years अबव और and above, 80 एचयूएफ years। के लिए, 80 अबव और एचयूएफ के लिए। ये जो सरचार्ज वाला जो रूल है ना वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है, टैक्स जाएंगे। न्यू टैक्स रेट न्यू डिजाइन ऑल कैटेगरी, नो इंक्रीज बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट बेनिफिट। न्यू डिजाइन में इसकी कोई वो नहीं है, किसकी सरचार्ज की न्यू डिजाइन में कितनी कैटेगरी है बोलो? ये चार न्यू डिजाइन में सरचार्ज की कोई भी, सरचार्ज की कितनी कैटेगरी है, 4 सर, चार, और उसमें ओल्ड वाले में कितनी है, दो। दो, ओल्ड वाले में कितनी है, दो है, और न्यू वाले में कितनी है, चार चार है। एक बार इसमें भी देख लेते हैं,
कितनी कैटेगरी है? अच्छा, तो दार है, लेकिन इसमें खास बात बता रहा है। क्या बता रहा है? कि 1 अप्रैल 23 से ये 37 वाले को कहाँ पहुंचा दिया गया? 25 पे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो स्लैब है वो कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। विल नॉट अप्लाई द इनकम फ्रॉम डिविडेंड टैक्सेबल अंडर सेक्शन इतना इतना। और देखो इसमें इनकम टैक्स एक्ट में ना बहुत ज्यादा प्रोविजंस है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये सारे प्रोविजन हमको आते होंगे। बस बेसिक वाले जो हैं आप लोग थोड़ा सा गौर करके, ठीक है? चलो अच्छा, न्यू टैक्स रिजाइम में अगर जाते हैं आप लोग तो उसमें क्या है? लिस्ट ऑफ फ्यू कॉमन एग्जेम्पशन डिडक्शन विच आर नॉट अलाउड। ये जो जो कंसेशन हमको वहां मिल जाते थे कौन से वाले में, ओल्ड वाले में अब वो न्यू वाले में नहीं है, ठीक है? और जो अलाउड है वो क्या है? स्पेशली एबल्ड वाला है, और ट्रेवल टू वर्क वाला है, नो वो न्यू पेंशन स्कीम वाला है, और डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर, जो नए एम्प्लॉय से कुछ डिडक्शन हो रहा है इस सेक्शन में उसके लिए है, सेक्शन 32 में हो रहा है। एनी अलाउंस एम्प्लॉय ट्रांसफर पे कुछ पैसा मिल रहा है उस पर नहीं? यहाँ पर देखो ओल्ड डिजाइन में उसको सारी क्या मिल रही है यहाँ पे? छूट मिल रही, लेकिन ये सारा फर्क फिर यहाँ पर अलग हो जाता है। क्या टैक्स के जो टैक्स की कैलकुलेशन है इसकी पुरानी कैलकुलेशन से आई, कितनी आई इसकी कैलकुलेशन? 62,500 आई। नए वाले में कितनी आ रही है? 75,000। दोनों का सेस निकाला तो इतनी आ गई। तो इस तरह से पूछ सकता है कि भाई बताओ जरा इसमें क्या कहती है। पंद्रह लाख तक इनकम होता है तो न्यू में ठीक फायदा। पंद्रह लाख तक में कौन से में फायदा? अच्छा, न्यू वाले में 15 लाख से ऊपर होगा तो फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसका बड़ा वाला स्लैब है वो कितने का है? जो बात का स्लैब है ना बढ़ता जाता है ना, ये वाला 15 से ऊपर कंटिन्यूअस कितना लगेगा उसका? 30%। 30 लगेगा। वाले स्लैब में सर एनपीएस डिडक्शन डाल सकते हैं ना सर? फिफ्टी एनपीएस दोनों में है, सीसीडी दोनों में, दोनों जो विल लिखता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टेटर। स्टेटर ये आ गया देखो, ये इसमें से समझ लो क्वेश्चन आना जरूरी है आपका। इसमें से कैपिटल गेन टैक्स में से क्वेश्चन आना जरूरी है। दो तरह के हो गए कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या वो कैटेगराइज किया हुआ उन्होंने? शॉर्ट शॉर्ट टर्म में लेस देन 36 मंथ है, ठीक है? और इसने बोला हुआ है कि इन केस ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? इमोवेबल इमूवेबल के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड कितना है? 36
24 है, 24 मंथ। औरों के लिए कितना है, 3 साल है, ठीक है। ठीक, और कुछ ऐसे एसेट हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म कितना है, यानी शॉर्ट टर्म कुछ के लिए 12 महीने, 12 महीना है, कुछ के लिए 24 महीना है, कुछ के लिए कितना है, 36 महीना, ठीक है। 24 महीना किस केस में है, इमूवेबल इमोवेबल प्रॉपर्टी, ठीक प्रॉपर्टी। है। और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें 12 मंथ है, ठीक है। द रूल इज अप्लीकेबल, डेट ऑफ ट्रांसफर इज आफ्टर 2014। कौन कौन से हैं, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इन ए कंपनी, इनके लिए कितना है, मतलब अगर आप शेयर कैपिटल पर डील कर रहे हैं या सिक्योरिटीज डिबेंचर बॉन्ड पर डील कर रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की है, फंड यूटीआई के वो कोट्स हैं, वो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इन जूनियर कूपन बॉन्ड है, वेदर कोटेड नोट, उनके लिए क्या है, 12 महीने। 12 महीने जो शॉर्ट टर्म पीरियड है वो 12 महीने, ठीक है। ये गेन निकालने का फॉर्मूला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, आपने जितने में बेचा, कंसीडरेशन का मतलब जितने में आपने सिक्योरिटी को बेचा और कितना खर्चा हुआ आपका, कितने में बाई किया था और कितना उसमें एडिशन किया आप, खर्चा और एडिशन में फर्क है। खर्चा तो मतलब है आपने मेंटेनेंस में लगा दिया, पुताई करा दी, एडिशन में आपने एक कमरा और बनवा दिया। तो अगर हम बात करें सर कि आपको 80 लाख रुपए मिले, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए खर्च किया, 40 लाख रुपए का खरीदा था और उसमें दो कमरे बनाए 15 लाख, तो कितना हो जाएगा कैपिटल गेन, कितने का हो गया, 15 लाख का। और अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो फॉर्मूला इसमें बिल्कुल क्या रहेगा, सेम सेम तो रहेगा, रहेगा। लेकिन कॉस्ट को आप कौन सी कॉस्ट निकाल सकते हो, इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप उस जिस दिन आपने वैल्यू वो खरीदी थी उस दिन के हिसाब से अपनी अपनी प्रॉपर्टी को कहाँ ले जाओगे। ये देखो इंडेक्स निकालने के लिए क्या तरीका है कि जब आपने प्रॉपर्टी ली थी, द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड और द ईयर ऑफ एसेट इंप्रूवमेंट, यानी कि कौन सा वाला ईयर नीचे लेंगे आप, जैसे मान लिया इंडेक्स आपने जब प्रॉपर्टी ली थी तब इंडेक्स था 180, आज इंडेक्स हो गया है 210, तो आप क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को आगे लाएंगे या पीछे ले जाएंगे। दोनों कर सकते हैं सर, आगे ला सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं। लेकिन टैक्स के हिसाब से क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे पीछे वाली वैल्यू को, आज लाएंगे, आज आज की उसमें लाएंगे, क्योंकि आज की हम डेट टैक्स आज की में रेट में निकाल रहे हैं ना। तो डालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया, अभी यही एग्जांपल लिया, कितना था हमारा, 40, चालीस में हमने कोई चीज ली, 40 में ले ली, ठीक है, इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, दो सौ तो दस 40 में लिखेंगे, 40 तो इंटू आज दो सौ हमने दस ट्रांसफर, फिफ्टी फाइव आज हमने ट्रांसफर कर दिया, 40 को इधर बना दिया, नीचे एक सीआईआई सौ ऑफ द अस्सी ईयर ऑफ दिस एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द सेलर, जब हमने लिया था तब कितना था, 180, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 40 की, 46 लाख, 46.5 लाख। तो यहाँ पे आप 40 ना मानते हुए क्या मानेंगे सर, 46 मानेंगे, ठीक है। और आपने उसमें इम्प्रूवमेंट किस साल में कराया,
अगर इसी साल कराया है तो ऐसे ही निकल जाएगा। और पता लगा जब आपने इम्प्रूवमेंट कराया था उस समय इंडेक्स कितना था, 190। तो इसमें इम्प्रूवमेंट में कितना खर्चा लगाया हमने, 15 लाख लगाया ना। तो हम क्या करेंगे, 15 × 190 / 180, ये जिस साल में हमने कराया, सॉरी 15 × 210 / 190। तो इससे जो भी वैल्यू करेंगे तो उससे क्या होगा, पहले आप देख रहे थे आपको गेन कितना आ रहा था, 15। अब आपको गेन कितना आ जाएगा, कम हो जाएगा। और गेन अगर कम होगा, गेन अगर कम होगा तो टैक्स क्या होगा, आपको कम कम देना होगा। देना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसने बताया कि आप अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं। आप अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बताओ जरा, 80 से ऊपर वाले के लिए क्या मामला है। 5 लाख तक टैक्स फ्री है। सुपर सीनियर है, तो एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख। 5 लाख तक कोई भी टैक्स ठीक है, सुपर सीनियर थे। हाँ, रिबेट अंडर 87A, 87A में कितना है, न्यू टैक्स दे आर टू राइट। रिड्यूस देयर टैक्स टू निल इफ द टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन चैप्टर डज नॉट एक्सीड 5 लाख से ज्यादा, दिस प्रोविजन एप्लीकेबल इन, कौन से उसमें है। ये तो दोनों में है, रिबेट दोनों में है, ये खाना है। दोनों में तो आने वाला दोनों में है ना। ये देखो ये लिखा हुआ है, एक में 12,500, एक में 25,000। ये लिखा हुआ 87A, 87A, और इसमें ना लिखा हुआ नहीं, 12,500 का है ना पुराने वाले, तो पुराने वाले में पांच मिलता लाख तो से है 12,500। ये इनिशियल स्लैब जो है ना, ये जो 5% का है, इसकी छूट मिल जाती है। पुराने वाले में 12,500 की छूट है, पुराने वाले में कितने की है, 12,500। तो ये है ऊपर किसमें, में था, एटी ऊपर में सेवन था चला यहाँ पर। गया। ये रिपीट अंडर 87, दोनों में है ना, दोनों में दिख रहा है। और अगला, ए पर्सन विद हायर इनकम इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग स्कीम आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑप्शन इज बेटर फॉर पॉइंट ऑफ व्यू। मोर देन टैक्स सेविंग स्कीम, विच ऑप्शन कहना बेटर पॉइंट बहुत ऑफ व्यू। टैक्स सेविंग स्कीम में इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ओल्ड जो टैक्स सेविंग स्कीम का बेनिफिट केवल कहाँ मिलता है, वाले में गोल्ड में। तो सवाल पूछ रहा है तो उसको कोई सोचने की बात ही नहीं है कि सीधा सा लाभ उसे जो भी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, गोल्ड ओल्ड वाले में वाले में। तो नए वाले में कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। आगे आते हैं, अब आ रहे हैं सीधे हाउसिंग वाले, कौन से वाले एक पूछे बार सर इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बता दे दोबारा, समझ नहीं पा रहे। बता। देखो, इक्विटी से रिलेटेड अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 12 महीने तक शॉर्ट है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म।
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेबल भी 24 महीने तक शॉर्ट है, उसके बाद लॉन्ग। अदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे कैपिटल में, अदर कैपिटल में क्या है, अदर में कौन सा आएगा जैसे? इनके बाद छोड़ दो। अदर में आपने मान लिया कोई वो ले ली, मशीन ले ली कोई, वो मशीन आज 10 लाख की है, 5 साल बाद वो 15 लाख की होगी। आपने गोल्ड 12, 24, 36 गोल्ड ले लिया, ठीक है, मशीन ले ली, कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, कोई एंटीक आइटम ले लिया, उसको बेच रहे हैं आप, ठीक है। जैसे मकान लेंगे तो मकान 24 साल में ही, 24 महीने में ही हाँ, लॉन्ग टर्म हो चौबीस जाएगा। महीने में शॉर्ट टर्म, ठीक है। और जो इंडेक्सेशन का फायदा, वो किस में मिलेगा आपको? लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म, ठीक है। इंडेक्सेशन का फायदा लॉन्ग टर्म मिलेगा। बस करना क्या है आपको, आपको आज की वैल्यू जो ली आपने, टुडे टुडे की वैल्यू, तो आप किस में लेंगे, जितने में आप सामान बेच रहे हैं, जो कंसीडरेशन बोल रहे हैं। और जो भी पुरानी वैल्यू लेंगे, अब पुरानी मान लिया कोई मकान आपने 4 लाख का लिया था आज से 30 साल पहले, अगर आपने 1990 में कोई मकान कितने का लिया, 4 लाख का, और आज आपको कितने का बिक रहा हो, 80 लाख का, 80 का। तो एक लेमैन के हिसाब से आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 76 लाख का, ठीक है। हाँ, और अगर आप इंडेक्सेशन करेंगे तो कितने का होगा, 40 लाख लगभग होगा। आप 3 साल में देखेंगे कि इंडेक्शन, वो इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मान लिया इंडेक्शन उस समय 100 था, आज 150 हो गया, तो 4 लाख का कितना हो जाएगा, 6 लाख लगभग हो जाएगा। तो 4 का कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। तो आपका जो जो टैक्स पहले 76 में लग रहा था, वो कितने का लगेगा अब, फिर 74 का। उसके बाद हो सकता है 3 साल पहले आपने उसमें 10 लाख रुपए लगाए हों, 3 साल पहले मान लिया 120 था, आज 150 हो गया, यानी कि 25% का बढ़ोतरी हो गया। तो उसमें जो भी खर्चे लगा रहे हो आप, चार्जेस लगा रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, जिस जिस साल में जितना पैसा खर्च कर रहे हो, उन सब की कौन सी वैल्यू निकालेंगे आप, परसेंट वैल्यू इंडेक्स। प्रेजेंट वैल्यू निकाल विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। ये उस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, कौन से, ब्याज दर से नहीं निकलता है, ये रहेगा इंडेक्स के फॉर्मूले, ठीक है। चलो, हाउस प्लानिंग एंड टैक्स प्लानिंग। तो हाउस लोग कितने परपज के लिए लेते हैं, बता सकते हो, हाउस लोग कितने परपज इन्वेस्टमेंट के? पर्पस के लिए लेते हैं, रहने के पर्पस से। एक तो सबसे पहले कोशिश आदमी करता है कि रहने को लग जाए, ठीक है, यानी उसमें रहना है। दूसरा वो सोचता है मैं क्या करूं, उसमें रेंटल इनकम लूँ। तीसरा सोचता है मैं रेंटल हो या ना हो, लेकिन कुछ समय बाद मेरा उसका वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। और अगर दूसरा हाउस ले रहा है, तो दूसरा हाउस डेफिनेटली इन दोनों पर्पज से ले रहा है, ठीक है। और ये हाउस का लोन हमको टैक्स बेनिफिट देता है, इसलिए लोग हाउस खरीदते हैं, लेकिन किस में खरीदते हैं हाउस, वो एज लोन लेके, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको, मान लिया आपकी 30 हजार की किस्त आई, और आपको 5 हजार का टैक्स बच गया, तो आपकी नेट किस्त कितने की हो गई, 25 हजार की। और पता लगा आपको 25 हजार या 20 हजार रुपये उस मकान से क्या मिल रहा है, रेंट किराया मिल रहा है। और ये जो 5 हजार का डिफरेंस है, हर महीने उस मकान की वैल्यू 7 हजार रुपये क्या होती जाती है, बढ़ जाती है। तो ये डिप्रिसिएट सारा होता है ये। हिसाब लगाने के बाद आप ये तय पाएंगे कि मुझे मकान फायदा दे रहा है या
नुकसान दे रहा है, ठीक है। नुकसान हाउस में होने वाले फायदे कौन कौन से हैं? पहला तो किसका है? इंटरेस्ट का। टैक्स डिडक्शन। तो इंटरेस्ट का क्या है, वैसे तो 1.5 लाख है, लेकिन ये 1.5 और 50 मिला के कितनी हो जाती है, 2 2 लाख। ये किसको मिलता है, जिन्होंने कितने लाख तक का हाउस लिया हुआ है, 35 लाख का लिया हुआ पैंतीस हाउस है, और कैसा हाउस है उनका, पहला हाउस है, तो ये 50 हजार की छूट उनको मिलती है। लेकिन आमतौर पर हम सब लोग क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे मार देते हैं, क्या 2 लाख 2 लाख, कौन देख रहा है ना, ठीक है। और प्रिंसिपल रिपेमेंट पे सेक्शन 80 मिलता है, ठीक है। और ये है देखो वाला, जो फर्स्ट टाइम होम बायर होते हैं उनको कितना मिलता है, 50 हजार का, क्या इससे अलग है, इससे अलग है, मतलब 2 और प्लस 50। पर ये 50 किसको मिलेगा, फर्स्ट फर्स्ट टाइम वाले को। टाइम वाले को मिलेगा, और उसका हाउस क्या होना चाहिए, पैंतीस पहला होना लाख चाहिए से 35 लाख से कम होना चाहिए, सर। ये पैंतीस दो लाख लाख से नहीं, 2 लाख का सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है क्या? इंटरेस्ट है 2 लाख का, सिर्फ इंटरेस्ट है, प्लस ATC में प्रिंसिपल है। अब मैं एक सिंपल बताता हूँ, अगर कोई 30 लाख का लोन लेता है या 30 लाख का लोन लेता है, तो मोटी मोटी उसकी किस्त कितनी बनती है, 30,000 30 हजार बनती है, और पूरे साल में कितना जमा कर रहा है, 3,07,000 3,60,000। और 30 लाख का लोन लिया है, 9% का रेट लगा ले, तो 2,70 उसका क्या बन जाता है, ब्याज ब्याज बन जाएगा। छूट उसे कितने की मिल रही बता रहे हैं हम, 16 2 की, 70 की और छूट लेना चाहता है, तो उसमें शर्त है कि उसका हाउसिंग लोन कितने से कम का होना चाहिए, 35 से कम पैंतीस का होना चाहिए, और उसका पहला घर होना चाहिए, ठीक है। और अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 हो जाए, कितना हो जाए, 7% हो जाए, तो उसे कितना ब्याज लग रहा है महीने साल का, 2,10, तो वो ATE वाले का बेनिफिट ले पाएगा, 10,000 का लेगा। बस हाँ 10 हजार का ले पाएगा, उससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि हाउसिंग लोन जो भी होना चाहिए वो 5 साल में क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट कंप्लीट। और जो भी आप इसमें बेनिफिट ले रहे हैं, वो बेनिफिट आप पूरा बेनिफिट 1 साल में नहीं ले पाएंगे, आपको बेनिफिट भी कितने सालों में मिलेगा, 5 साल में। 5 साल में मिलेगा। इस पॉइंट को समझे आप, अगर आप रेडीमेड बना हुआ मकान ले रहे हैं तब तो आपको 2 लाख की इमीडिएट छूट मिलेगी, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कराने में वो छूट उसको जो है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरी नहीं मिलती है, ठीक नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंप्लीट होने के कंस्ट्रक्शन बाद 30,000 पर एनम है सर ना। ये लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ है कि रिड्यूस टू 2 लाख टू 30,000 इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, कब, अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा नहीं करेंगे, तो आपको 2 लाख वाला जो बेनिफिट मिल रहा था पिछले सालों में, उसको आप दोबारा रिवाइज रिटर्न भरेंगे, कौन सी वाली रिवाइज भरेंगे, जो रिवाइज आप दो भरना दो लाख होगा कि जो भरेंगे तब जो पीछे छूट लिए हैं उसको इस बार इनकम में दिखाना होगा। हाँ वही वही मतलब उतने, हाँ ऐसे मान लो कि आपको उतनी इनकम इस बार में क्या करनी पड़ेगी, दिखानी दिखाने पड़ेगी, पड़ेगी।
ये है वाला, 80 वाला, इसमें कंडीशन क्या है देखो। ये लिखा हुआ, ये लिखा, होम लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 35 लाख, 35 लाख और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख, मतलब ऐसा ना हो कि 80 लाख का फ्लैट लिया, लोन ले लिया कितने का, नहीं अगर आप 35 का लोन ले रहे हो, 80 का फ्लैट है, लोन ले रहे हो और 80 का क्या है, फ्लैट है, इसका तो मतलब क्या है, या आप की हैसियत क्या है, ठीक ठाक। ज्यादा हाँ, तो ये जो एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है उन लोगों के लिए दिया हुआ है जो पहला मकान ले रहे हैं और उनकी हैसियत बहुत ज्यादा नहीं। नहीं है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ से भी आता है वैल्यू वाला ना। इफ ए प्रॉपर्टी कंट्रोल कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट कैन नॉट एक्सीड। तो रेंट कंट्रोल एक्ट का मतलब होता है कि अगर प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत है तो आप उस प्रॉपर्टी पे रेंट जो है बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। कौन सा रेंट लेंगे फिर आप उसमें, स्टैंडर्ड रेंट। आपने कभी देखा है कि कोई प्रॉपर्टियां होती हैं आज भी दिल्ली में है, पता लगा 20 रुपए किराया जा रहा है। गवर्नमेंट वाली होती है। हाँ, तो कुछ ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जिनका किराया रेंट कंट्रोल एक्ट में होता है, उसमें आप ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। पुरानी तो प्रॉपर्टीज हैं इन्होंने है भाई, उनमें होता है। कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज हैं जो सालों से चलती आ रही हैं, 20-30 सालों से, और शायद और पुरानी बीस तीस नहीं, ज्यादा 50 100 100 सालों से भी आ रही है। हाँ सर बिल्कुल, उनमें रेंट यही चल रहा है अभी भी। यहाँ देखो, मीनिंग ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है। म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है जो टैक्स के लिए वैल्यूएशन होता है, जो नगर निगम की प्रॉपर्टी होती है ना वो बताती है कि भाई ये प्रॉपर्टी इतनी की। सच वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी। फिर दूसरा क्या है, मीनिंग ऑफ फेयर रेंट। हाँ इट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विच द प्रॉपर्टी कैन फेच। इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेंट फेस बाई सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब वो कितना किराया ला सकती है, एक्सपेक्टेड रेंट से उसकी वैल्यू को ट्रीट किया जाता है। इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेंट फेस इन अ सिमिलर प्रॉपर्टी, और आसपास की जो भी प्रॉपर्टियां रेंट ला रही है उससे आइडिया लगाया जाता है। ठीक है, एनआरआई के होम लोन में क्या है, लग गवर्नमेंट उनको भी ये एग्जम्पशन है, कह रहा ना यहाँ पे, एनआरआई हु आर करंटली सर्विंग देयर होम लोन आर नॉट अवेयर ऑफ द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ देयर लोन, उन्हें पता नहीं रहता होता है। ठीक है, तो एक बात बोल दी, अगर उसने पैसा कहाँ से कमाया है, एब्रोड से उस इनकम पर कोई भी टैक्स रिबेट उसको नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगी। और अगर हम एक तरह से कहें उस पर, तो उसको पहले से ही क्या मिलती है, एग्जेम्पशन वैसे ही मिलती है उसको, तो उस पर तो वैसे ही नहीं लगना। तो सर इसको एनआरई को रिबीट मिलेगा कि नहीं? हाँ, अगर उसकी घर की यहाँ की कोई इनकम है, मान लिया उसने वो मकान किसमें दे दिया, तो रेंट पे मिलेगी। और रेंट के अलावा उसकी कुछ एफडी में इनकम आती है, उसके अलावा उसका कोई छोटा मोटा जहाँ कारोबार चला उससे, वो इस सारी इनकम को जोड़ करके वो छूट ले सकता है। ठीक है, एंड इंडिविजुअल टुक अ लोन कितने रुपीज,
25 लाख। परचेजिंग ए फ्लैट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन कितना, इतना पेड कितना रुपए, इंटरेस्ट दे दिया कितना है, टैक्स छूट ले सकता हो, 2 लाख, दो लाख सेल्फ सर, ऑक्यूपाई किया हुआ है, दो 2 लाख से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है इसका। चलो अच्छा, हाँ इसमें ध्यान रखना, ये जॉइंट वाला केस क्या होता है, जॉइंट वाले को अगर उसके नाम से क्या है उसमें ओनरशिप है तभी उसकी इनकम पे क्या मिलेगी उसको, लिमिटेड। मिलेगी। कहने का मतलब प्रॉपर्टी ए के नाम है, पेमेंट उसका दो खातों से जाता है, तो टैक्स का बेनिफिट किसको मिलेगा, एक कई लोग क्या करते हैं अपनी धर्मपत्नी के नाम प्लॉट लेके मकान बना के और टैक्स की धड़ धड़ क्या ले रहे, छूट ले रहे हो, गलत ले रहे हैं। ठीक है, ओनरशिप होना जरूरी है, जो छूट ले रहा है उसकी ओनरशिप होनी जरूरी। यहाँ पर जॉइंटली है तो सर, फिफ्टी फिफ्टी बेसिस पे पेमेंट करते हैं। देखो इसमें, हाँ अगर प्रॉपर्टी ए के नाम पर है और लोन जो है ए और बी दोनों के नाम पर है, और दोनों और जॉइंट अकाउंट से नहीं ही ईएमआई मिलेगा, जाए, कहीं भी हो नहीं मिलेगा, एक ही को मिलेगा इसके नाम प्रॉपर्टी। सर लेकिन लोग देते देखे मैंने यहाँ पर दिल्ली में अरे वो हमारे। तो दुनिया ले रही है, लेकिन कोई क्रॉस चेक नहीं है ना उसका भी। नहीं बट क्योंकि ईएमआई वो शो कर सकते हैं ईएमआई तो केवल इस बात का प्रूफ है जी। पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो छूट है वो ओनरशिप होनी मस्त है उसमें। ठीक है, ईच को बोरोवर कैन क्लेम टैक्स ऑफ इतना इतना, तो यू गेट परमिशन का, ये लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ो। ज्वाइंट ओनर्स लिखा है ना, और यहां भी लिखा हुआ है कैन बी अवेल्ड बाय द रिपेमेंट की, तो ज्वाइंट बात ही नहीं कर रहा हो, वो बात कर रहा है किसकी, ओनरशिप की। ठीक है, ओनर्स ये लिखा हुआ है टैक्स बेनिफिट ऑफ जॉइंट होम लोन डिपेंड ऑन को ओनरशिप एंड बोरिंग स्टेटस। उस कंडीशन में ईच को ओनर कितना ले सकता है रिबेट, 2 लाख दो लाख। ऑन इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, हाँ इसमें भी 2 लाख हो जाएगा ना। अब इसमें वो क्लियर किया ही नहीं है, ओनरशिप बताया नहीं है। हाँ 1 मिनट सर, नीचे फिफ्टी फिफ्टी आंसर क्या आ बेसिस। रहा है, सर अगर अमाउंट सेम रखा जाए 2 लाख का, तो 1 लाख तो ले सकते हैं दोनों, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट तो उतना ही मिल रहा है नहीं अगर ओनरशिप है ना उनकी तो जी। जितना भी पेमेंट कर रहे हैं आधा आधा भी कर सकते हैं। मान लिया 3 लाख का इंटरेस्ट आया उसमें, एक बंदा दो का और एक बंदा एक का भी कर सकता है, ठीक, लेकिन शर्त यह है कि ओनरशिप होनी चाहिए इसमें। चाहे 50-50 रेशियो दिखा है इसमें। नहीं इसमें तो खुद कह रहा है वो, दे हैव बीन पेइंग हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट कितने बेसिस पे, तो जब वो कह रहा था तो खैर 2-2 लाख हो जाएगा, लेकिन इसमें वो वाली लाइन साइलेंट है। अगर 4-25 का इंटरेस्ट है तो दो से ज्यादा ले नहीं सकता, तो हर बंदा दो का ले लेगा, लेकिन इसमें वो वाली लाइन अभी भी क्या है, साइलेंट है। ऑनर्स कौन सी लाइन, वाली ओनरशिप वाली लाइन साइलेंट है।
क्वेश्चन क्या करता है सर? इंडिविजुअल टू के लोन और 10 लाख परचेजिंग प्लॉट 2010-11 में लिया था और 1,10,000 इंटरेस्ट दे दिया, 57,000 प्रिंसिपल दे दिया सर 16-17 में, और अभी तक उसने मकान नहीं, ही हैज नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन टू 80-80 CCD, ही विल बी एबल टू, कितना क्लेम कर सकता है? नहीं कर पाया क्लेम सर। 11, 10-11 में लिया था, अभी ये किया है 16-17 में, मतलब 5 साल से अधिक हो गया। उसने प्लॉट लिया है, अभी मकान की कहीं बात नहीं आ रही है, तो प्लॉट में मिलता है, प्लॉट अच्छा में मिलता है? नहीं मिलता है। कब मिलेगा? जब आप इसमें क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करोगे तो ही मिलेगा। ठीक है, ये जो ये चैप्टर है बेसिकली हाउसिंग लोन का जो प्रपोजल होता है वो कैसे वो करते हैं उस पे बेस है। 11 जो चैप्टर है ना, लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर 27 नंबर वाला, इसमें मैं केवल वो कराऊंगा एक, इसमें सीट है ना, अप्रेजल करते हैं अमाउंट। ये एलिजिबल लोन अमाउंट कैसे निकालते, एलिजिबल लोन अमाउंट कैसे निकालते, तो सबसे पहला जो फॉर्म है उसमें सबसे पहले एक उससे लेंगे, भैया कितना लोन चाहिए, उसने लिख दिया कितना चाहिए, मान लिया 60 लाख। फिर उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह की दिखवा रहे हैं उससे, ठीक है, उसने कहा था 80 लाख है। फिर आप क्या करोगे, उसने कहा मार्जिन, उसने कहा था 20 लाख मैं लगा दूँ, ठीक है, तो लोन अमाउंट कितना दे दोगे आप? 60। या उसने कहा मैं मार्जिन कितना लगाने को तैयार हूँ? 30। अगर वो 30 मार्जिन लगा रहा तो आप 60 दोगे या 50 दोगे? 50 50 दोगे, पचास एक हो गया। दूसरा पैरामीटर आप देखोगे उसकी इनकम का क्या क्राइटेरिया है, तो उसकी इनकम में जो भी उसकी इनकम है, ग्रॉस मंथली इनकम है, उसमें उसकी इनकम ये सब जोड़ ली, ठीक है, रेंटल भी जोड़ लिया, तो टोटल मान लिया उसकी इनकम आई, मंथली इनकम आई मान लिया 40,000 आ गई, 40,000 कम हो जाएगी, 60 कर लेते, ठीक है। नेट मंथली इनकम उसका थोड़ा बहुत कटपुटा के कितना हो जा रहा मान लिया 50,000 है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे बंदे की इनकम, नेट मंथली इनकम इतनी है, नेट मंथली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट, नेट इनकम ऑफ द स्पाउस और अदर इनकम मिला के कुल मिला के 20,000 इसकी भी आ गई, तो कितनी हो गई? 70,000 हो गई, ठीक है, टोटल फ्यूचर रेंटल मिला के 70,000 उसकी हो गई। अब वो क्या कहता है कि उस इनकम का कितने टाइम, तो बैंकों का है ना कि 36 टाइम मिलेगा, 60 टाइम मिलेगा, ठीक है। तो बी अगर आप ग्रॉस में देखेंगे तो ग्रॉस में कम है, नेट में क्या है ज्यादा, तो 70,000 का अगर वो देखते हैं हम, इसमें 70,000 की इनकम बन रही है और यहाँ इनकी इनकम हम 80 कर लेते हैं, ठीक है, तो 80 के हिसाब से 36 टाइम, ठीक है, और 60 के हिसाब से
42 लाख, तो कितने का लोन दोगे आप? जो भी कम होगा हायर है, जो भी हायर है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हो बात आप उसकी ईएमआई एलिजिबिलिटी पे, किस पे आते हो? ईएमआई एलिजिबिलिटी, ईएमआई फॉर एलिजिबल लोन अमाउंट। तो 42 लाख की ईएमआई लगभग कितनी बन सकती है उसकी? 42 हजार, ठीक है। नेट मंथली इनकम -40% ऑफ टोटल मंथली ग्रॉस इनकम। नेट मंथली इनकम कितनी आई थी इसकी भाई? नेट मंथली इनकम कितनी आई थी? 70 70,000। आई थी। और 40% ऑफ द ग्रॉस, 80 का ग्रॉस कितना हो जाएगा? 32, 38,000। बताओ कितना लोन दोगे? 42 लाख दोगे या नहीं दोगे? 70 का सर 40% निकालना है, नेट हाँ मंथली इनकम का 40%। नेट मंथली इनकम पूरी पूरी ले लिए, माइनस ग्रॉस का 40%। आप इसको करने के लिए एक तरीका और ले सकते हो, जो टीपीसी के माइनस ग्रॉस का ग्रॉस क्या ले लो? 60% ले लो, नेट मंथली इनकम 70 है और ग्रॉस मैंने 80 कर दी थी ना बाद में, 80 कर दी थी, 80 का 40% 32, तो 32,000 तो उसके घरेलू खर्चे के लिए है। और आ रहे हैं उसके खाते में कितने? 70। 70,000। इसका मतलब उसके पास 38,000 रुपया क्या है? हाँ लोन पेइंग कैपेसिटी सरप्लस है। और इसमें भी मान लिया उसका एक और लोन चल रहा है 8,000 रुपये का, तो ये घट के कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको 42 लाख लोन नहीं मिलेगा, ये जितने की ये ईएमआई सेट होगी उतना मिलेगा। ये जो डिसबर्समेंट होता है इसमें फेजेस में होता है। एक एफएआर क्या होता है? एफएआर फ्लोर एस्पेक्ट रेशियो। अगर आपने इतना बड़ा प्लॉट लिया है तो जो वहां की अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी आपको कितना मकान बना देती है? पूरे बना सकते हैं? नहीं सर, वो कहती है थोड़ा आगे छोड़ोगे, थोड़ा बगल छोड़ोगे, अगल छोड़ोगे, तो थर्टी हाँ, परसेंट जिसको ओपन रखना है। तो 30% ओपन रखने का मतलब हो गया फ्लोर एस्पेक्ट रेशियो कितना हो गया? 70%। तो जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे फ्लोर एस्पेक्ट रेशियो जो है आपका टोटल लैंड का, अगर आप दो फ्लोर वगैरह बना रहे हो तो 2 गुना तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 गुना तक। अगर आपका 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो उसमें जो टोटल कंस्ट्रक्शन है वो आप कितना कर सकते हो? कैसे करोगे? मंजिल बढ़ा के, लेकिन आगे और पीछा जो सेटबैक है वो छोड़ना ही पड़ेगा आप। उसने कहा आगे 2 मीटर छोड़ना है, पीछे 1 मीटर छोड़, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आप कितनी मंजिल बना सकते हो वो किस पे डिपेंड करेगा? एफएआर। ये बात समझ में आई किसी को? बोलो। यस सर, मॉरेटोरियम में हमने देखा था आमतौर पर नया मकान होता तो बना बनाया 2 महीने 3 महीने, और अगर बनाओगे तो अच्छा मैक्सिमम महीना 18 महीने।18 महीना और मॉरेटोरियम में इंटरेस्ट देना होता है? दे सकते हैं। नहीं सर, ऑप्शनल रहता है, नहीं, देना होता है मैंडेटरी सर। होता है।
इंटरेस्ट नहीं देते सर, मैंडेटरी होता है। इंटरेस्ट लगता है उसके अकाउंट में, लेकिन पे नहीं करना होता। नहीं, इंटरेस्ट मैंडेटरी होता है हाउसिंग लोन में। हाँ, सिर्फ एजुकेशन लोन में बेब होता है। एजुकेशन लोन में ऑप्शनल होता है। हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट आपको शुरू से देना है। केवल आपको वेवर मिलता है कौन से लोन्स में? प्रोजेक्ट फाइनेंस में हाँ, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, जिसमें 3 साल बाद कंपनी कमाना शुरू करेगी। और आप लोग जो लोन लेते हो किस पे बेस लेते हो? सैलरी पे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे इनकम लेते हो? प्लान तो आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको देना है। और जैसे मान लिया आपने 20 लाख का लोन लिया और आपको 10 महीने की मॉरिटोरियम मिली है, तो 10 महीने तक आप इंटरेस्ट देते रहोगे, तो 10 महीने बाद बैलेंस कितना रहेगा उसमें? जितना लोन लिया उतना उतना ही रहेगा। यहाँ से क्या चालू हो जाएंगी उसकी? EMI। EMI। तो EMI हमेशा इस अमाउंट में बनती है। अगर यही एजुकेशन लोन होता तो 20 की जगह कितना हो जाता? 25 हो जाता। और अच्छा इसके बाद क्या चालू हो जाती उसकी? EMI। ये EMI का फॉर्मूला रट लेना, एक न्यूमेरिकल आएगा आपका, किसी भी केस में EMI निकलवाएगा आपसे। दस ये तो रेट ऑफ लाख का इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है, 10% है, बैंक ने अभी 2 लाख रुपए दिए हैं उस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो शुरुआती जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होता तब तक कौन सा रेट लगाओगे आप उसमें? क्यों लगा रहे हैं? सिंपल क्योंकि वो जितना भी लग रहा उतना वो क्या कर दे रहा है? दे रहा है। दे दे रहा है, ठीक है। और बाद में जाके जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे फिर उस तारीख से पूरा EMI करूँ, तो वो कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। ये मॉर्गेज, वो सारी मॉर्गेज जो हमने वहां पढ़ी थी, टाइप मॉडल। और बैंकों में कौन सी मॉडल चलती है? केवल दो, दो तरह के रजिस्टर्ड में, एक रजिस्टर्ड इक्विटेबल सिंपल है, मॉडल दूसरी और इक्विटेबल मॉडल। सर इक्विटेबल मॉडल। हाउसिंग लोन में कितना तक प्रायोरिटी सेक्टर में आता है? हाउसिंग लोन के दो क्राइटेरिया है। हाउसिंग लोन में प्रायोरिटी सेक्टर के दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है आपका अगर आपका हाउस 45 लाख का है, या आपका हाउस 35 लाख का है, ठीक है। 35 लाख के लोन में 25 लाख तक प्रायोरिटी में, 45 लाख के हाउस में 35 लाख तक का प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। अगर बहुत बड़ा मकान ले रखा है तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर का फायदा बैंक को नहीं। नहीं मिलेगा। कई बार कुछ लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाउस तो 1 करोड़ का था, लोन केवल 20 लाख का ले लेते हैं। हाउस केवल हाउस है 1 करोड़ का, लोन कितने का लेते हैं? 20 लाख का। तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आएगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
लोन टू वैल्यू का तो पता लग गया ना, उसमें कोई डाउट तो नहीं, लोन टू वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट। जितना फर्क है जितने परसेंट आप फाइनेंस करेंगे ना, का 100 में से माइनस कर देंगे तो मार्जिन एलटीवी और मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है, वो आज मिलता है। ये ₹35 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर, 25 इन अदर सेंटर। मैंने क्या बनाया था, ये था हमारा 25 कहाँ पे अदर पे है, और ये कहाँ पे सेंटर पे है, मेट्रो मेट्रो सेंटर पे है। और इसकी कीमत 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी 30 से ज़्यादा। अच्छा मैंने जरूरत, 25 लाख का लोन और हाउस की कॉस्ट 30 है, तब तो प्रायोरिटी में आए। 35 तक का लोन, हाउस की कॉस्ट 45, तब आपका। तो आजकल अधिकतर लोन प्रायोरिटी सेक्टर से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते, बाहर क्योंकि 45 लाख में तो कोई मकान अब शहर में आता ही नहीं। नहीं। ये जो डेप्रिसिएशन का दोनों मेथड है कैलकुलेशन की, वो करके जाना। एक क्वेश्चन कई बार डेप्रिसिएशन वाले में से भी आता है। ये जो वैल्यूएशन के मेथड हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। कंपैरेटिव मेथड क्या मतलब होता है, उस इलाके में आसपास की जो प्रॉपर्टियां होती हैं उससे आइडिया लगाया जाता है, ठीक है। और रेंट कैपिटलाइजेशन वाले में क्या होता है कि जो रेंट है वहां पर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट इनकम बाय इयर्स परचेज, यानी वो जब उसने खरीदा था उसके बाद ईयरली रेंटल उतने साल तक की जोड़ करके, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज वर्क टेकिंग इनटू अकाउंट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ये सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। और जो नेट रेंटल इनकम है ऑन ऑन एवरेज कितनी होती है, 4 से 6% ऑफ द कॉस्ट। यानी 50 लाख का फ्लैट है तो उसमें पर एनम रेंट कितना आने की उम्मीद है, 2 लाख। 20,000 2 लाख का मतलब 18-19 हज़ार रुपये महीना आने की। वेल्टिंग मेथड, वेल्टिंग मेथड में क्या है कि अकाउंट ऑफ फ्रंटेज और डेप्थ कितनी है, अगर उसकी क्या फ्रंट बड़ा है तो उसकी कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसका लेसर फ्रंटेज मोर डेथ होती है उसकी कीमत क्या होती है, अगर फ्रंट कम है और डेप्थ ज्यादा है तो उतना अच्छा नहीं होता मकान। और इसमें बिल्टिंग मेथड में क्या कर रहा है, टेक इनटू अकाउंट ऑफ फ्रंटेज एंड डेप्थ द प्लॉट, इट इज अडॉप्टेड अ बिग साइज प्लॉट विद लेसर फ्रंटेज और मोर डेप्थ। द लैंड इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वेल्स रनिंग पैरेलल टू द फ्रंटेज एंड प्रोग्रेसिवली लोअर रेट्स आर टेकन इन द फास्टर। तो जो जैसे मान लिया ये प्लॉट है तो उसके आपने क्या करें, टुकड़े बना लिए, 1, 2, 3, 4 टुकड़े। इसकी तो कॉस्ट आपने लगाई 2 लाख, इसकी लगाएंगे 1.8, इसकी लगाएंगे 1.6, इसकी लगाएंगे 1.4 मिलाकर। सिंकिंग फंड क्या होता है,
किसी आने वाले समय में अ प्रॉपर्टी हैज टू बी रिप्लेस्ड और रीबिल्ट। मान लिया आपने एक मशीन ली, वो मशीन 10 साल बाद बदली जानी है, तो आप क्या करेंगे? 10 साल बाद के लिए अभी से कुछ पैसा क्या करने लग जाएंगे? इकट्ठा करने लग जाएंगे, जिससे कि आप उस समय पर उस प्रॉपर्टी को खरीद पाओ। अमाउंट टू बी रेगुलरली सेट असाइड ऑन द आउट ऑफ एनुअल। इस साल जो भी इनकम हो रही है, हर साल की इनकम में से कुछ पैसा आप उसके लिए क्या करोगे? इकट्ठा करते जाओ। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन मैंने बोला ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा कौन सा होता है? WDV। हाँ, एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, रिवर्स मॉर्गेज। क्या होता है रिवर्स मॉर्गेज? गोल्ड जोड़े को दिए जाते हैं 50 साल को, साठ हाँ, साल से इसमें ऊपर वाले के। नो रिपेमेंट होता है, नो रिपेमेंट फिक्स्ड। रिपेमेंट फिक्स नहीं होगा, मतलब आप उन्होंने लोन ले लिया, अब उसकी जो कीमत वसूली जाएगी, अगर वो दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? उस प्रॉपर्टी को बेच के ही क्या करेंगे हम? उसका पैसा वसूलेंगे। ठीक है, और इसमें जो लोन दिया जाता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दिया जाता है, बने बने मकान के लिए अगेंस्ट में उनको पैसा दिया जाता है, और उसमें भी पर्पज होते हैं। 60 साल के लोग हो, उनको मेंटेनेंस के लिए मैरिड कपल जॉइंट बोरोवर बनाए जाएंगे। ठीक है, और ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम, नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी की उम्र कम से कम कितनी बची हो? 20 लाख बची। ठीक है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टियों पे काम नहीं होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ई वाला। इसका जरा ई वाला पॉइंट देखेंगे सब लोग। वो कहता है कि मैक्सिमम मंथली पेमेंट अंडर RML हैव बीन कैप्ड इतना। तो इसमें दो तरह के लोन मिलते हैं, या तो वो कहेगा भैया पूरा पैसा मेरे को अभी दे दो, या कहेगा कुछ अभी दे दो और बाकी पैसा मेरे को हर महीने की किस्तों EMI कितनी? में देते रहना। मतलब बैंक देगा उसको पेंशन की तरह, नहीं, रिवर्स पेंशन की बैंक तरह। देगा। ठीक है, और वो मैक्सिमम कितना दे सकता? 50,000 रुपये महीना। 50,000% टू बी कैप्ड द लोन। 50% उसका लमसम रहेगा, 50% कहाँ देगा उसको? मंथली में। ठीक है, और लोन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 15 लाख। टू बी यूज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ, स्पाउस और इंडिपेंडेंट इफ एनी। द बैलेंस अमाउंट वुड बी एलिजिबल फॉर पेंशन। बाकी को पेंशन बना देंगे। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन कितना है? 20 ईयर। मैक्सिमम पीरियड ओवर विच पेमेंट कैन बी मेड विद अ रिवर्स मॉर्गेज बोरोवर। द लोन अमाउंट मे बी यूज बाई सीनियर सिटीजन तो वेरियस पर्पज, अपने वो अपने जीवन जीने के लिए या अपने मेडिकल खर्चों के लिए कर सकते हैं। और इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उससे होने वाली आमदनी पर उसको क्या देना पड़ेगा? कैपिटल कैपिटल। चलो, ये एक यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द पीरियडिक पेमेंट अंडर RML। RML में पेमेंट का वो बता रखा, क्या बता रखा? प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, LTV रेशियो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, और वैल्यू ऑफ वन गिवन विल बी डिपेंड ऑन द डिस्बर्समेंट फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड। तो ये कितना पैसा उसे मिलेगा
ये इस बात पे निर्भर करेगा, इस फॉर्मूले पे। प्रॉपर्टी की वैल्यू मान ले 80 लाख है, इनटू एलटीवी हम दे रहे हैं 50% या 40% दे रहे हैं, मान लिया 0.4 हो गया, इनटू वन, वन का मतलब है 1 प्लस आई, आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और n-1 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट -1, ठीक है। इस तरह करके वो उसको तो हर महीने क्या पैसा मिलेगा उसका वो बना लेते हैं हिसाब का। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज को जरूर कर लें। इसमें 2-3 जो एक्सरसाइज दी हुई है ना इसमें लास्ट चैप्टर में, इन एक्सरसाइजों को जरूर कर लें, आपको ये शायद हो सकता है 3, 4, 5 नंबर दे जाएगी, आपको ये 3, 4, 5 नंबर दे जाएगी, ठीक है। सर एक सवाल है सर, हाँ सर एक जो प्रॉपर्टी है अगर सपोज बैंक के पास रखी हुई है और ऑक्शन करने की नौबत आ गई है, मतलब सपोज अगर ठीक है, तो हाँ प्रॉपर्टी जो जब तक बैंक के पास रहेगी और ऑक्शन नहीं करा, तो उसमें जो नहीं, कैपिटल कैपिटल गेन हुआ है तो बैंकों के मतलब मिक्स बैंक का बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचेगा ना बैंक, तो जी उसका पैसे का हकदार कौन है? वो बंदा ही है, बैंक का कोई रोल नहीं इसमें, तो कैपिटल गेन। अगर बैंक ने उसकी 20 लाख की ली हुई प्रॉपर्टी 80 की बेच दी, बैंक ने वन अपना 40 लाख का क्या ले लिया? लोन ऑप्शन ले लिया। अब वो जो 40 लाख बचा वो उसको दे दिया आपने, लेकिन वो जब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेगा तो वो 20 वर्सेस किसमें करेगा? 20 वर्सेस 80 में करेगा, क्या ये ऐसे में होगा। करेगा? 20 वर्सेस 80 में करें, ठीक सर, ये कॉल कैलकुलेशन दिए उसने, कहा कि उसने 1 लाख का क्या लिया हुआ है, प्लॉट, और प्लॉट में वो कितना रिटर्न चाह रहा है? 5%, यानी उसे 5,000 रुपये क्या चाहिए? प्लॉट लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगा रहा है उस पर इतना चाहिए। टोटल इनकम कितनी चाहता है वो? 1,25,000 पर साल में, और ग्रॉस एनुअल रेंटल कितना है? आर, वो चाहता है कि मुझे ₹R रेंट की तरह मिल जाए, ₹R मुझे रेंट की तरह मिल जाए, ठीक है। और उसका कुछ खर्चा भी होता है, क्या खर्चा हो रहा है उसका? रिपेयर का, कितने हजार का? 10,000 का खर्चा हो रहा है। आउटगोइंग 30% ऑफ रेंट, जितना रेंट आता है उसमें 30% उसका किसी ना किसी बहाने खर्च हो जाता है। तो अब उसका जो रेंट है, आर रेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, उसमें इतना खर्च हो जा रहा था, ठीक है। और उसको 20,000 रुपये किस लिए खर्च करने पड़े? थिंकिंग फंड, यानी उस प्रॉपर्टी से वो जो भी कमाई कर रहा है उस पैसे में से कुछ पैसा वो इसलिए निकाल के रख रहा है कि कल प्रोविजनिंग को मैं करते एक नई प्रॉपर्टी लूंगा, जब ये मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? जीरो हैं। हो जाएगी। मतलब वो शहरों में ना पहले फ्लैट बन रहे हैं, जो शहरों के फ्लैट क्या हो रहे हैं, 20 साल बाद क्या हो जा रहे हैं फ्लैट, तो डिमोलिश करते हैं। दोबारा बन रहे हैं। तो उसको दो खर्चे वसूलने हैं, एक तो उसे रेंट का खर्चा, एक उसे सिंकिंग फंड। यानी इनकम कम से कम इतनी उसको चाहिए, एक इक्वेशन तो बनी ये, इनकम इतनी चाहिए। और दूसरी वो कहता है कि आर माइनस
30 आर करेंगे तो 70 आर इतना, और इनकम उसे कितनी एक्सपेक्ट करी थी? 25 1,25,000। इसके निकाला आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2,60,000, और 12 से डिवाइड किया उसे, तो इसको देख लेना फिर। ठीक है, ठीक चलिए ठीक है फिर। कोशिश करिएगा है सर। कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो सोचे कि हमने कहाँ पढ़ा था और क्या था। पहला राउंड आप क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड में आखिरी तक पहुंचना है आपको, कौन से नंबर क्वेश्चन तक? 100 नंबर क्वेश्चन तक। और ये वाला काम कितनी देर में पूरा कर लेना है आपको? 1 घंटे में। उसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आप क्या कर देंगे? छोड़ छोड़ देंगे ठीक देंगे, जो लंबे हैं नहीं पढ़े छोड़ देंगे उसको। उससे क्या होता है, कोई भी सरल क्वेश्चन छूट ना जाए आपका। दूसरे राउंड में आपका थोड़े से टफ क्वेश्चन लेंगे, और जो लास्ट के आपके पास 10 मिनट बचेंगे तो जितने भी ब्लैंक एरिया हैं उन सबको क्या करेंगे, अल्टीमेटली टिक मार के करेंगे। आएंगे। कैसे टिक मारेंगे? जैसे मान लिया आपने पहले का दूसरा किया, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, पांचवे का पहला, छठे का पहला, और सातवें का, मान लिया इसका आंसर नहीं कर पाए आप, तो क्या करेंगे आप? देखेंगे भैया मैंने 1 से लेके 6 में 2 वाला भी कोटा पूरा कर लिया और एक नहीं वाला भी कर गलत लिया, तो आप जो आंसर देंगे इसका या तो 3 देंगे या 4। चार एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि लगातार 3 क्वेश्चन एक का कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, और जो लोग क्वेश्चन दे आएंगे पेपर अपना जो है शेयर करिएगा कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर। मॉर्निंग जिनका 11 बजे 12 बजे वो जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो। में क्लास होगा ना सर मॉर्निंग में इतना, कल कल आपका कोई क्लास नहीं, कल कोई क्लास नहीं। शाम को तो जी, हाँ शाम को है, शाम को 2 क्लास है, शाम को लेकिन 2 क्लास। ठीक है, है तो शेड्यूल में DIV का 8 बजे, नहीं 8 तारीख का 6:30 AM, 8 का 6:30 AM लिखा हुआ, PM होगा गलती से। तो नहीं 7 PM है, 7:30 PM, छः तीस ए एम भी है सर। एक मिनट, एक गलत लिखा हुआ, ये जो है AM नहीं PM, गलत लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ ना, ये उस समय तो पेपर होगा ना लोगों का, समय क्या होगा, पेपर की तैयारी होगी। सारी इस क्लासेस जो है कहाँ पे, साथ में। चलिए ओके, थैंक यू।